चलिए सुनाउ स्टार्ट विद क्लास तो हम लोकसभा कर रहे थे वी वर डूइंग लोकसभा लोकसभा में हमने प्रोटेम स्पीकर लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हेडिंग दीजिए स्पीकर स्पीकर अब आप लोग को पता है ना स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों ही लिख दीजिए क्योंकि दोनों को ही साथ में हम निपटा सकते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर अब ये स्पीकर होता कौन है देखिए लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी लोकसभा की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जो मॉनिटर जैसा सामने बैठा होता है ऊपर उसे कहते हैं स्पीकर स्पीकर बेसिकली लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जब लोकसभा की मीटिंग चलेगी उस मीटिंग को हेड करने वाला मॉनिटर करने वाला पर्सन होता है स्पीकर ठीक है जी तो लिखिए पहले तो लिखिए speaker and deputy speaker, speaker and deputy speaker are, are, speaker and deputy speaker are the presiding officer of Lok Sabha, are the presiding officer of Lok Sabha, full stop. स्पीकर इज दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लेकिन उसमें से भी स्पीकर को चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है स्पीकर इज चीफ प्रिसाइडिंग चीफ है चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा स्पीकर इज चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा ओके अब ये दोनों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है हम स्पीकर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना कौन स्पीकर होता है लोकसभा में जो ऊपर बैठे रहता है वहां पर मॉनिटर जैसा है पर्सन अभी फिलहाल ओम बिरला है एब्सोल्युटली ठीक है अब ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इन लोगों को इलेक्ट कैसे किया जाता है तो पहला कंडीशन है आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए यानी फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ही किसी ना किसी को बनाया जाएगा और कैसे अपॉइंट होता है नहीं इलेक्ट होता है हाउस के मेंबर्स लोग इलेक्शन में वोट करते हैं स्पीकर का इलेक्शन होगा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी स्टूडेंट्स में से ही किसी को मॉनिटर बनाया जाएगा कोई बाहर वाला आदमी मॉनिटर नहीं बन सकता ठीक है अब मॉनिटर का इलेक्शन होता है जो भी बच्चा मॉनिटर बनना चाहता है वो अपना नाम देगा वोटिंग होगी जिसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा वो मॉनिटर बन जाएगा बस यही कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर भी ठीक तो है तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होते हैं फ्रॉम अमंग द मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी तो लिखिए एक लाइन पॉइंट लिखिए अपॉइंटमेंट सॉरी इलेक्शन अपॉइंटमेंट नहीं होता है इलेक्शन आगे डैश करके तब लिखिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग द मेंबर्स फ्रॉम अमंग द मेम्बर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी से इन्हें इलेक्ट किया जाता है ठीक है जी अब यहीं पर नोट करके लिखिए द इलेक्शन डेट ऑफ स्पीकर द इलेक्शन डेट ऑफ स्पीकर स्पीकर ऑफ स्पीकर इलेक्शन डेट स्पीकर का इलेक्शन का डेट है ना इलेक्शन डेट ऑफ स्पीकर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर का इलेक्शन का डेट प्रेसिडेंट डिसाइड इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है डन नाउ अब ये जो मॉनिटर होगा वो किसी भी डिस्कशन में जो भी इसका फाइनल डिसीजन होगा जो भी इसका डिसीजन होता है उसको फाइनल माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस हाउस कैसे ऑपरेट होगा हाउस में किसको पहले चांस दिया जाएगा किसको बाद में चांस दिया जाएगा बोलने का जो कुछ भी इंटायर प्रोसीडिंग से रिलेटेड डिसीजन होगा वो स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है ठीक है तो नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए द डिसीजन ऑफ स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू द रूलिंग्स या विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डिसीजन ऑफ स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज फाइनल इसको फ्रंट में कर दीजिए तो वो कैमरा बोले विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज फाइनल ठीक ठीक है जी नाउ अब स्पीकर और जो स्पीकर होता है इन लोगों का रिमूवल कैसे होगा क्या रिमूवल हाँ डिपुटी स्पीकर किसको स्पीकर, स्पीकर किसको अपना रेजिग्नेशन देगा डिप्यूटी स्पीकर को डिप्यूटी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा स्पीकर को और इन लोगों को अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा तो इन लोगों के अगेंस्ट में एक मोशन लाया जाता है और मोशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से आई होप आप लोग को याद होगा वी हैव टॉक्ट अबाउट व्हाट इज मेजोरिटी है ना डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी तो इफेक्टिव मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके इनको निकाला जा सकता है और तीसरा तरीका है अगर इन लोगों का मेंबरशिप इन द हाउस अगर खत्म हो गया इफ दे आर नो मोर द मेंबर ऑफ द लोकसभा देन दे कैन नॉट कंटिन्यू एज द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एज वेल ठीक है जी तो अब लिखिए वैकेंसी और फिर सामने डैश करके ए बी सी करके लिखेंगे पहला, लिख पहला लिख ए लिख दीजिए पहला ए लिखिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एड्रेस दे आर रेजिग्नेशन टू ईच अदर एड्रेस दे आर रेजिग्नेशन टू ईच अदर यानी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है एड्रेस दे आर रेजिग्नेशन टू ईच अदर address देर resignation to each अदर ठीक है ए पॉइंट बी पॉइंट में है सीट गेट वैकेंट गेट वैकेंट द सीट गेट वैकेंट कॉमा इफ दे आर नो मोर द मेंबर ऑफ द हाउस इफ दे आर नो मोर द मेंबर ऑफ द हाउस इफ दे आर नो मोर The member of the house. ok Then, third point: two, two, I Matlab, mean, a speaker and deputy speaker, yet two in Loga, two are removed from their position, two are removed from their position. Uh, uh, from their position by the resolution by the resolution passed by the house passed by the house by effective majority passed by the house by effective majority passed by the house by effective majority, by by effective majority. okay कॉमा करके लिखिए सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस सच रेजोल्यूशन सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड कैन बी मूवड ओनली आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस टू देम कैन बी मूवड ओनली आफ्टर ओनली आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस 14 days, advance notice to them. है एडवांस नोटिस पता है कहीं पर भी अगर लोकसभा को रिप्रेजेंट करना है लोकसभा को रिप्रेजेंट स्पीकर करता है अगर स्पीकर कहीं पर भी पहुंच गया तो माना जाता है वो पूरे लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए आप कभी भी देखिएगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद में लोकसभा के स्पीकर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है आम एमपी के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा क्योंकि दूसरे एमपी तो सिर्फ अपने एमपी है और वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूवेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ओम बिरला लोकसभा का स्पीकर होने की वजह से वो इंटायर लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर कहीं पर भी वर्ल्ड में लोकसभा की या हाउस ऑफ पीपल का मीटिंग होता है तो ओम बिरला वहाँ पर जाएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर लोकसभा ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्पीकर रिप्रेजेंट्स लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूट स्पीकर रिप्रेजेंट्स लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के तौर पे लोकसभा को रिप्रेजेंट कौन करता है लोकसभा के स्पीकर एज एन इंस्टीट्यूट एज एन इंस्टीट्यूट ओके नाउ अब एक चीज ये भी समझिए ये जो हाउस है समझिए दिस इज एन हाउस दिस इज लोकसभा इसमें सभी मेंबर्स लोग बैठते हैं यहाँ पर ऊपर स्पीकर का कुर्सी है स्पीकर भाई साहब भी यहाँ पर बैठेंगे ठीक है स्पीकर करते क्या है पूरे हाउस को मॉनिटर करते हैं हाउस को संभालते हैं आप चुप रहो आप बोलो आप चुप रहो आप बोलो ये सब इनका काम चालू रहता है ठीक है लेकिन आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा इसका खुद का अपना सेक्रेटरीट भी है इसके खुद की एक सेक्रेटरीट है सेक्रेटरीट में सारे स्टाफ लोग हैं आई ऑफिसर्स भी होते हैं और इसके अलावा जितने भी लोकसभा और राज्यसभा का खुद का अपना एग्जाम होता है अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स को सर्च करेंगे तो उसमें आपको एक मिलेगा लोकसभा का अपना सेपरेट एग्ज़ाम होता है जो एग्ज़ाम देकर आप लोकसभा में काम करने जाते हैं लोकसभा के ऑफिसर बनते हैं वैसे ही राज्यसभा का अपना खुद का एक एग्ज़ाम होता है जो ट्वेल्थ के बाद दिया जा सकता है और वो एग्ज़ाम देकर आप राज्यसभा में ऑफिसर बनते हैं ठीक है थीके? तो उसमें जहां पर उसके ऑफिसर्स लोग काम करते हैं उसको लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरीट कहा जाता है सचिवालय लोकसभा सचिवालय राइट right? इसका सेक्रेटरीट है इसमें क्या होता है इसके सारे ऑफिसर्स लोग काम करते हैं और इसको हेड एक बेसिकली आई ऑफिसर करता है लोकसभा सेक्रेटरी ठीक है तो ये जो लोकसभा सेक्रेटरीट है इसका फाइनल हेड कौन होता है वैसे ऑफिसर्स लोग में सबसे बड़ा पोजीशन आई का पोजीशन होता है लेकिन अदरवाइज इसको हेड करता है लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा स्पीकर इसको भी हेड करता है लोकसभा स्पीकर इसको भी हेड करता है तो लोकसभा का स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट एज वेल ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट एस ई सी आर ई आर आई ए टी सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा लोकसभा के सेक्रेटरीएट का वो हेड होता है ठीक है अब आपको पता है जब लोकसभा का पांच साल पूरा हो गया इमेजिन करिए लोकसभा का फाइव इयर्स पूरा हो गया लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ में सभी एमपी लोगों का मेंबरशिप खत्म हो जाता है राइट सभी एमपी का मेंबरशिप खत्म हो जाता है ऑफिशियली ठीक है लेकिन लोकसभा का स्पीकर उस समय भी एज ए स्पीकर वो रहता है इसका स्पीकर का पोजीशन डिसॉल्व नहीं होता है इसका स्पीकर का पोजीशन कंटिन्यू रहता है कब तक रहता है जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती है न्यू लोकसभा जब तक कि बन के रेडी नहीं होती है तब तक ही विल कंटिन्यू अब रीजन ऐसा क्यों यहाँ तो मेम्बर्स लोग तो चले गए तो भी इसको एज ए स्पीकर क्यों बना के रखा है तो रीजन इसका है बिकॉज ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट तो हमेशा रहती है ना तो इसका हेड हमेशा रहना चाहिए तो स्पीकर इसीलिए होता है ठीक है यानी आप इमेजिन करिए 10 जनवरी को लोकसभा भंग हो गई ठीक है दूसरी लोकसभा 25 जनवरी को बन रही है ठीक है तो ये 10 दिन लोकसभा नहीं होता है ऑफिशियली इस समय इस 10 दिन कोई लोकसभा नहीं एग्जिस्ट करती है और इस 10 दिन में कोई एमपी भी नहीं होता है लोकसभा भंग होने के साथ ही जो पुराने लोकसभा एमपी थे उनका पोजिशन डिजॉल्व हो गया खत्म हो गया ठीक है लेकिन व्हाट अबाउट ओम बिरला उनका भी एज अ पोजीशन एज अ स्पीकर वो 10 तारीख को खत्म हो गया कि न्यू लोकसभा इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ना क्या रीजन है इनको ये 10 दिन क्यों हमने स्पीकर कंटिन्यू करवा के रखा जब लोकसभा डिजोल्व हो गई तो भी वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं उसका कारण यह है उसका रीजन यह है कि लोकसभा सेक्रेटरीट का भी ये हेड होता है और लोकसभा सेक्रेटरीट तो फंक्शन कर रही है ना वो तो डिजोल्व नहीं हुई ऑफिसर्स तो है ना ऑफिसर्स तो नहीं छोड़ छाड़ के चले गए इसके लिए उनको कंटिन्यू करके रखा जाता है ठीक तो है तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस स्पीकर कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस Hold the office even after the dissolution of Lok Sabha, even after the dissolution of Lok Sabha, even after the dissolution of Lok Sabha, till the new Lok Sabha is constituted, till the new Lok Sabha is constituted. ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका रीजन क्या है रीजन ही इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट बिकॉज ही इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट ही इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट लोकसभा सेक्रेटरीट का वो हेड है ना सचिवालय लोकसभा का जो सचिवालय है उसका भी वो प्रमुख होता है हेड होता है इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट ओके डन नाउ लोकसभा में जब कभी भी कोई मीटिंग होती है तो क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पास वोट करने का पावर होता है द आंसर इज नो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी मीटिंग होगी तो जो मॉनिटर होता है यानी स्पीकर होता है उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का कोई राइट right नहीं होता है अगर वोटिंग टाई हो गया 50 परसेंट में हाँ बोला 50 परसेंट ना बोला टाई वाला सिचुएशन हुआ तो ही सेकेंड इंस्टेंस में ये जाकर वोट करता है किसी एक को जिता देगा हां के साइड जाएगा या फिर ना के साइड जाएगा ठीक है जी उसको कहा जाता है कास्ट वोट उसके लिए एक टर्म है कास्ट वोट ठीक है तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर डू नॉट हैव द राइट टू वोट डू नॉट हैव द राइट टू वोट वोट At first instance. At first instance. Instance. Uh, comma. They can vote only in case of tie. They can vote. Only in case of tie. Bracket J, cast vote. C A S T cast vote. ठीक है जी नाउ लेकिन अगर जब कभी भी स्पीकर का रिमूवल चलेगा देखिए जब कभी भी ओम बिरला का अगर इमेजिन करिए ओम बिरला का रिमूवल प्रोसेस चालू है ठीक है तो उस समय क्या ओम बिरला प्रिसाइड करेंगे नहीं करेंगे राइट right? हां जी तब वो क्या करेंगे तब वो एज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर जैसा हाउस में बैठेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और वोट करेंगे ठीक है जी तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए

He will participate as an ordinary member, preside the house, preside the house. He will participate like an ordinary member, like an ordinary member, ordinary member, participate in proceedings, comma participate in proceedings. इन प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स एंड वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस एंड वोट वोट करेगा एट फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट इंस्टेंस ओके अच्छा डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करता है पता है स्पीकर ना स्पीकर तो ये भी नोट लिख लीजिए ठीक है इसमें लिख लीजिए द इलेक्शन डेट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज डिसाइडेड बाय स्पीकर द इलेक्शन डेट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करता है तो स्पीकर द इलेक्शन डेट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ठीक है अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर स्पीकर के पास कुछ एक स्पेशल पावर है अच्छा व्हेन वी आर सेइंग स्पीकर उस समय इसका मतलब हम सिर्फ लोकसभा की बात कर रहे हैं राज्यसभा में चेयरमैन होता है और डेप्यूटी चेयरमैन ठीक है तो स्पीकर का स्पेशल पावर क्या है पहला पावर स्पीकर डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ठीक है डिसाइड करने का यह सर्टिफाई करने का पावर किसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है ठीक है तो लिखिए स्पीकर स्पीकर डिसाइड्स वेदर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट Full stop. His decision is final, his decision is final, his decision is final, but subject to judicial review, but subject to judicial review. Okay? Then next point. ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड हमेशा स्पीकर करता है तो नेक्स्ट चेज लिखे ऑन स्पीकर स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ठीक है और नेक्स्ट इफ स्पीकर इज द मेंबर ऑफ एनी कमेटी इफ स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी अगर किसी भी कमेटी का वो मेबर है इफ स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इफ स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी कमेटी कौमा ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी ऑटोमेटिकली उस कमेटी का वो चेयरमैन माना जाएगा ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी ही इज The ex-officio chairman of that committee. Okay, done. अब यह वाला चीज हो गया अब लिखिए अलग से ये वाला point हो गया Speaker वाला कार्यक्रम खत्म Now next वैकेंसी इन द हाउस लोकसभा में या राज्यसभा में ये दोनों ही जगह के लिए कॉमन होता है तो वैकेंसी इन द हाउस आर्टिकल 101 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दिस वैकेंसी इन द हाउस हाउस में वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकता है हंड्रेड एंड वन सिंपल तरीके से हाउस में वैकेंसी कैसे क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं वैकेशन ऑफ सीट मेंशन है आर्टिकल नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम सिंपल तरीके से समझिए अगर कोई पर्सन रखेगा no आपको एक ही का कभी भी बनना तो समझिए एक पर्सन है वो पार्लियामेंट के किसी भी इलेक्शन लोकसभा या राज्यसभा कहीं ना कहीं पर इलेक्ट हो गया है तो पार्लियामेंट में भी वो मेंबर बन गया और वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी पहले से मेंबर था हो सकता है कि कोई एमएलए है एम अभी एम का इलेक्शन लड़ा कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया कोई एम बन गया मध्य प्रदेश में लेकिन नेक्स्ट ईयर बीजेपी ने उसको फिर से टिकट दिया पार्लियामेंट का एम का लेगा कि नहीं लेगा लेगा एम का टिकट मिल रहा तो क्यों नहीं लेगा और एम का इलेक्शन भी लड़ेगा और मालूम पड़ा वो भी जीत गया तो ही वॉज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एम भी बन गया तो हो सकता है ऐसा कि कोई पहले से एम है और एम भी बन गया लेकिन आप दोनों जगह पे मेंबर नहीं रह सकते कहीं एक जगह से आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा तो कैसे होता है तो अगर कोई पर्सन दोनों ही हाउस का पार्लियामेंट में भी किसी भी हाउस का मेंबर होगा या स्टेट लेजिस्लेचर का देन यू गेट अ 15 डेज टाइम यहाँ पर 15 दिन का टाइम दिया जाता है आप डिसाइड करो कि आपको कौन से हाउस में सर्व करना है दूसरे हाउस से आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अगर आपने पंद्रह दिन के अंदर डिसाइड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो पार्लियामेंट वाला सीट है यहां का सीट वैकेंट हो जाता है या Got it? Got it? Right? Yeah. दूसरा चीज समझिए कोई लोकसभा में का मेंबर है और राज्यसभा का भी मेबर है अ पर्सन इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा और वो इलेक्शन जीत गया राज्यसभा का भी यार पहले से ही राज्यसभा का मेंबर है वो इलेक्शन लोकसभा का जीत गया तो नाउ इफ अ पर्सन इज द मेंबर ऑफ टू हाउस इन दिस केस ही गेट्स द टाइम पीरियड पीरियड ऑफ टेन डेज टू डिसाइड कि भाई आपको कहाँ पर रहना है दूसरे हाउस से आपको रिजाइन करना पड़ेगा ठीक है अगर आपने रिजाइन नहीं किया तो फिर आपका राज्यसभा का सीट जो है ये वेकेंट हो जाता है गॉट इट ठीक है अब रीजन क्या है पता है यहां पर हम आपने क्योंकि पंद्रह दिन में डिसाइड नहीं किया क्योंकि दस दिन में आपने डिसाइड नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है पनिशमेंट कैसे आपका जो बड़ा वाला पोजीशन है वहां से आपका सीट चले जाएगा अब एमएलए बनना बड़ी बात है या एमपी बनना एमपी तो इसके लिए आपको पनिश किया जा रहा है एमपी से आपका सीट गया ठीक है लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा वैसे तो देखा जाए तो लोकसभा ही प्रैक्टिकली लोकसभा लेकिन एटलीस्ट बुक में माना जाता है राज्यसभा इज द अपर हाउस तो आपका अपर हाउस से पोजीशन चले जाएगा इसलिए आपको पनिश किया जा रहा है एक तरीके से और इसके पीछे एक दूसरा भी कैलकुलेशन है दूसरा कैलकुलेशन यह है कि बताइए अगर हमने लोकसभा में सीट वैकेंट कर दिया होता तो एक पूरा इलेक्शन आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवाना पड़ता राइट और अगर आपने राज्यसभा के एक सीट को वैकेंट किया तो राज्यसभा का इलेक्शन करवाना पड़ेगा दोनों में से कौन सा इलेक्शन ज्यादा कॉस्टली होता है इलेक्शन लोकसभा का राइट तो यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन करवा करवाना इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ता है ठीक है दिस इज द रीजन वाई हम राज्यसभा का सीट वैकेंट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द रीजन सेकेंड ग्राउंड क्या है सीट वैकेंट होने का वो होता है अगर आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं डिसक्वालीफाइड अंडर आर्टिकल नंबर 102 ये हम देखेंगे व्हाट इज आर्टिकल 102 या थर्ड है अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया रेजिग्नेशन किसको दिया है अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या फिर फोर्थ ग्राउंड हो सकता है दैट इज अगर आप लगातार डेज तक हाउस में एब्सेंट है बिना इन्फॉर्म किए तो फिर आपके सीट्स को वैकेंट कर दिया जाएगा ठीक है दीज फोर ग्राउंड जिस ग्राउंड पर आपका लोकसभा या राज्यसभा का सीट वैकेंट हो सकता है जा सकता है ठीक है बस यही है चलिए फटाफट इसको लिख के खत्म कर देते हैं हेडिंग दे दीजिए वैकेशन ऑफ सीट या जो भी लिखे थे वैकेंसी ऑफ सीट ना हाँ वैकेंसी वैकेंसी इन द हाउस या वैकेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल नंबर 101 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ना पहला पॉइंट लिख लीजिए इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट if a person is elected to parliament as well as the state legislature, state legislature comma, he has 15 days, 15 days. To decide he has 15 days to decide 15 days to decide comma which house he wish to serve which house he wish to serve to serve comma failing to decide failing to decide failing to decide in given time, failing to decide in giving given time, given time, comma his seat, his seat in parliament shall deem to be vacant. His in parliament shall deem to be vacant. Shall deemed to be vacant. यहीं पे नीचे नोट लिख लीजिए नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ टू हाउस एट द सेम टाइम नो पर्सन रीजन क्या है मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वैकेंसी द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ टू हाउस एट द सेम टाइम ठीक है नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ टू हाउस एट द सेम टाइम ठीक नाउ दिस पॉइंट if a person is elected is elected to lok sabha and rajya sabha both to lok sabha and Rajasabha both comma he has 10 days to decide he has 10 days to decide which house to serve comma failing to do so failing to do so failing to do so failing to do so, to do so. his seat in rajya his seat in rajya sabha shall डीम्ड टू बी vacant. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है सेकेंड थर्ड ये सब लिखना है लेकिन फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए वॉट इज द रैशनल वॉट इज द रैशनल रैशनल वॉट इज द रैशनल बिहाइंड वैकेंसी इन वैकेंसी इन राज्यसभा वैकेंसी इन राज्यसभा ठीक है एंसर फॉर्म में लिख लीजिए राज्यसभा इज द अपर हाउस is the upper house comma and if a person if a person if a person fails to decide fails to decide comma he shall be subject to punishment he shall be subject to punishment if a person fails to decide he shall be subject <coughs> to punishment शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ही शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ओके अब नाउ द थिंग इज कि आप पनिशमेंट उसको दोगे तो पनिशमेंट क्यों बिकॉज राज्यसभा इज द अपर हाउस यहाँ से सीट जा रहा है तो ये एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो जाएगा ठीक है फेलिंग टू डू सो ही शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट एनहेंस हिज सीट फ्रॉम द अपर हाउस गेट वैकेंट एनहेंस हिज सीट फ्रॉम अपर हाउस गेट वैकेंट फ्रॉम अपर हाउस गेट वैकेंट ऑल्सो आगे लिख लीजिए दूसरा पॉइंट लिखते या फिर उसी को कंटिन्यू करके लिख लीजिए ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव इकोनॉमिक परस्पेक्टिव कंडक्टिंग इलेक्शन We are conducting by election by election by election conducting by election to rajya sabha is is cost effective is cost effective compared to that of lok sabha compared to that of lok sabha ओके नाउ सेकेंड पॉइंट अब्दुलशा लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट मतलब डिस्कालीफाइड है इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 101 सॉरी uh, 102 अंडर आर्टिकल 102 Clause 1 and clause 2. Clause 1 and clause 2. Clause 1, clause 2. Now third point. If a person address his resignation, if a person, person of member, uh, address his resignation to the presiding officer. To the presiding officer. Address his resignation resignation address his resignation to the presiding officer and it is accepted a double c e p t e Diwala accepted it is accepted accept carli by the presiding officer एंड इट इज एक्सेप्टेड बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अच्छा अब ये सारे लाइन्स भी देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया तब सीट वैकेंट होता है तो इतना समझे कि अगर रेजिग्नेशन दिया लेकिन स्पीकर ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या सीट वैकेंट हुआ है नहीं हुआ है जब तक वो स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करता है तब तो तक सीट वैकेंट नहीं होता है ठीक है और एक लास्ट फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए if a member if a member of either house <coughs> absent himself absent a b s e n t absent himself from the house from the house without the permission without the permission permission फॉर मोर देन सिक्सटी डेज फॉर मोर देन सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज कौन हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट ठीक है तो ये चार ग्राउंड है जिससे सीट आपका वैकेंट हो सकता है एक है अगर आप दो जगह अपॉइंट इलेक्ट हो चुके हैं तो रिजाइन करिए अदरवाइज आपका सीट चले जाएगा ठीक है दूसरा है इफ़ यू आर डिसक्वालिफाइड यू हैव बिकम द मेंबर एंड देन आफ्टर यू हैव गॉट डिसक्वालिफाइड ठीक है थर्ड इज इफ यू हैव एड्रेस्ड योर रेजिग्नेशन या फोर्थ इज अगर आप साठ दिन तक लगातार एबसेंट है तो फिर आपका सीट वैकेंट हो जाएगा अब बात है डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है तो लिखिए डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स डिसक्लिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी एमपी लोगों का डिसक्वालिफिकेशन कैसे होता है हाँ डिसक्फिकेशन ऑफ एम पी ठीक है अब इसमें लिखे आर्टिकल 102 एंड टू क्लॉज वन क्लॉज वन इसमें पॉइंट फॉर्म में लिखिए पहला इफ ही होल्ड्स आर्टिकल हंड्रेड एंड टू क्लॉज वन लिखिए ना अब इसमें पॉइंट लिखिए ठीक है लिखिए इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट एंड आई होप आप लोगों को पता होगा व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना तो अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका सीट वैकेंट हो जाएगा देन नेक्स्ट फ इफ कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयरस हिम टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड इफ कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर हिम टू बी डिक्लेयर्स हिम टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड मतलब पागल जैसा हो गया डिसीजन लेके लेने की कैपेसिटी नहीं है लेकिन ये कोर्ट द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए ठीक है मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद में कोर्ट उसको स्टाम्प स्टाम्प मार देता है और कोर्ट अपने तरफ से डिक्लेयर करता है कि यस एक्सपर्से पर्सन डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो फिर उसका सीट वैकेंट हो जाएगा उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा ठीक है थर्ड लिखिए इफ ही इज अनडिस्चार्ज इन सोलवेंट अनडिस्चार्ज इफ ही इज इफ ही इज अनडिस्चार्ज्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट ठीक है जी इंसॉल्वेंट कौन होता है जो कर्ज में मतलब जिसकी लाइबिलिटी इज मोर देन असेट लाइबिलिटी जिसकी ज्यादा हो चुकी है असेट कम है वो इंसॉल्वेंट होता है और ऐसा इंसॉल्वेंट समझिए विजय माल्या लाइबिलिटी ज्यादा और असेट कम हो गया तो उसको insolvent बोलेंगे अनडिस्चार्ज का मतलब जिसको माफ नहीं किया गया है अभी वो माफ नहीं उसको मिला अभी भी वो इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में ही है तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो भी, फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इफ ही इज नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है अब या और नेक्स्ट पॉइंट इफ डिसक्वालिफाइड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट पॉइंट इफ डिसक्फाइड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उसको डिसक्वालीफाई किया गया है इफ डिसक्वालिफाइड बाई एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल बगल में लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन आर ओ पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन कॉमा एंटी डिफिक्शन लॉ एक्सेट्रा या एंटी डिफेक्शन लॉ को कट कर दीजिए वो यहाँ मत लिखिए ठीक है इतना ही लिखिए ठीक है नौ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए यहाँ तक के लिए पॉइंट हो गया अब स्टेटमेंट लिख लीजिए लिखिए in case of above ground in case of above ground in case of above ground comma disqualification disqualification is done by the president is done by the president in case of above ground disqualification is done by the president disqualification is done by the president in accordance in accordance in accordance to the binding advice to the binding advice in accordance to the binding advice of election commission of election commission फुल स्टॉप दिस डिसीजन शाल बी फाइनल ये जो डिसीजन है देखिए यहां हमने कुछ ग्राउंड लिखा ठीक है ये ग्राउंड के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है या जो कुछ भी है ये इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन कमीशन इन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को बोलता है कि एक्स वाई जेड एम को आप रिमूव कर दो तो इलेक्शन कमीशन के बाइंडिंग एडवाइस रिमेंबर इट इज बाइंडिंग एडवाइस उस बाइंडिंग एडवाइस पे प्रेसिडेंट अब इन लोगों को रिमूव कर देगा ठीक है सो दिस डिसीजन शैल बी फाइनल बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू दिस डिसीजन शैल बी फाइनल बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ठीक है अब लिखिए अलग से आर्टिकल 102 एंड टू क्लॉस टू अलग से लिखे आर्टिकल हंड्रेड एंड टू क्लास टू अच्छा यह यहाँ पर हमने लिखा ऑन इन केस ऑफ अबव ग्राउंड द प्रेसिडेंट शैल रिमूव ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट सॉरी ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है दिस डिसीजन इज फाइनल बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ये सारा चीज जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है हंड्रेड एंड आर्टिकल हंड्रेड एंड थ्री में आर्टिकल हंड्रेड एंड थ्री जो नीचे आपने लिखा है ना प्रेसिडेंट के एडवाइस से वो वाला पूरा स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट आर्टिकल 103 है हाँ वो वाला पूरा स्टेटमेंट आर्टिकल 103 से ठीक है अब आर्टिकल 102 एंड टू क्लॉस टू पहले लिखिए इंसर्टेड बाय फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड बाय फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985, 1985. abysme, a statement like he, oblique she, he, she, is so disqualified. disqualified. under 10th schedule, is so disqualified under 10th schedule. on the ground of

Q U O R U M कोरम U O R U M कोरम ठीक है कोरम क्या होता है वॉट इज कोरम डू यू नो देखिए कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए तभी ही लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलेगी सेम चीज राज्यसभा के लिए भी है ठीक है कोरम का मतलब तो समझ में आ गया एक तो पहली बात ये मीनिंग पूछता है कोरम का मतलब क्या है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस टू स्टार्ट और कंटिन्यू ठीक है एंड सेकंड कितना वो मिनिमम नंबर होना चाहिए तो पार्लियामेंट लेवल पे इट इज वन टेंथ वन टेंथ होने चाहिए ठीक है तो चलिए लिख लीजिए कोरम पहला तो इसका मतलब कोरम का आर्टिकल है हंड्रेड आर्टिकल हंड्रेड ओके देन अब लिखिए कोरम होता क्या है तो स्टेटमेंट लिखिए it is the minimum number quorum ka matlab hai it is the minimum number of members minimum number of members need to be present need to be present need to be present for the proceeding of the house for the proceeding of the house of the house

टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस वन टेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ द हाउस तो आप बताइए अगर मीटिंग में कुछ लोग एबसेंट है वो टोटल नंबर में इंक्लूड होंगे या नहीं अगस्त हाँ मतलब इस क्लास में इमेजिन करिए हंड्रेड स्टूडेंट है और हंड्रेड स्टूडेंट का वन टेंथ कितना होता है टेन तो कम से कम टेन आने चाहिए तो मतलब जब हम ये टोटल नंबर बोल रहे तो ये उस दिन मीटिंग में कोई आया नहीं आया वो सबको छोड़ छाड़ के मतलब अगर समझिए उस दिन सिर्फ सिक्सटी लोग आए या मतलब ये जो टोटल नंबर है ना टोटल नंबर इज वॉट हंड्रेड टेन 10 और वॉट हंड्रेड तो हंड्रेड में हमने जो वैकेंट है उन लोगों को भी इंक्लूड किया कि नहीं किया किया जो एबसेंट है उन लोगों को भी इंक्लूड किया कि नहीं उसको भी किया ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ टोटल नंबर में वैकेंसी एज वेल एज एब्सेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है ठीक है टोटल नंबर इंक्लूड्स वैकेंट एज वेल एज एब्सेंट सीट ये दोनों ही सीट इंक्लूड करता है ठीक है टोटल नंबर इंक्लूड्स वैकेंट एज वेल एज दिस पर्टिकुलर सीट ओके हाँ टोटल नंबर इंक्लूड्स वैकेंट एज वेल एज एबसेंट सीट एब्सेंट सीट जो है उसको भी इंक्लूड करता है और वैकेंसी है उसको भी इंक्लूड करता है ठीक है जी अब लिखिए लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ सी इफ दिस इज द हाउस इमेजिन दिस इज लोकसभा यहां पर स्पीकर बैठता है लोकसभा में सरकार किसकी होती है जिसकी सरकार होती है उसकी लोकसभा में बहुमत होता है या माइनॉरिटी होता है बहुमत मेजॉरिटी होता है ठीक है तो मोर देन फिफ्टी परसेंट होगा ये रूलिंग वाले लोगों का है ठीक है और लेस देन फिफ्टी परसेंट हमेशा ये ऑपोजिशन साइड होता है ऑपोजिशन इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि ये लोकसभा में इन लोगों के ऑपोजिट में बैठता है इसलिए वी कॉल देम ऑपोजिशन ओके तो याद रखेगा रूलिंग साइड हमेशा स्पीकर के राइट right में बैठता है और अपोजिशन साइड हमेशा स्पीकर के लेफ्ट में बैठता है रूलिंग साइड हमेशा मोर देन 50 परसेंट होगा अपोजिशन हमेशा लेस देन 50 परसेंट होगा एग्री ठीक है अब रूलिंग साइड में बहुत सारी पार्टी हो सकती है जैसे बीजेपी होगी और भी कई अलग अलग पार्टीज होगी राइट ये सभी पार्टीज लोग हैं लेकिन इन पूरे लोगों का ये सभी पार्टी लोग हैं समझिए यहाँ पर बीजेपी वाले लोग हैं बीजेपी और बीजेपी की और दूसरी पार्टी कौन है अलायंस में शिवसेना तो अब अपोजिशन में चले गए जो भी है छोड़िए ठीक है मतलब जितने भी पार्टीज लोग हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस फॉर्म करती है बीजेपी के साथ उन लोग हैं ठीक है ये सभी लोग मिलकर रूलिंग साइड को कवर करते हैं ऑपोजिशन जो बीजेपी के साथ नहीं है तो ऑपोजिशन में है जिसमें एनडीए वाले लोग आएंगे प्लस जो दूसरे लोग भी पार्टी है ठीक है अब देखिए हर पार्टी का यहाँ पर बीजेपी के कई एमपी लोग हैं इसके कई एमपी है इसके कई एमपी है इसके कई एमपी है, है, है हर पार्टी के जितने भी एमपी होते हैं उनमें से किसी एक को हेड इन लोग बना के रखते हैं ठीक है थीके? उसको बेसिकली पार्टी का व्हीप बोला जाता है वो पार्टी का व्हीप होता है एक शब्द यूज आप कई बार सुनेंगे न्यूज़पेपर में भी व्हीप <laughs> व्हीप क्या है पार्टी के जितने भी एम लोग हैं उनमें से एक पर्सन को वीप बनाया जाता है वीप एक पोजीशन का नाम है ठीक है तो वीप करता क्या है इन सभी पार्टी के एमपी वाले लोगों को मतलब सेम पार्टी के जितने भी एमपी पी है उन सबको वो मॉनिटर करता है हाउस में उन लोगों का लीडर जैसा होता है ऐसे ही इन पार्टी का भी होगा कोई एक वीप, ऐसे ही इन लोगों का भी एक होगा कोई वीप ऐसा करके रहता है ठीक है ऐसे ही इन लोगों का भी एक को लीडर बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड वीप एग्री गॉट इट ओके नाउ ये तो वीप पार्टी पार्टी का होता है वीप कौन है हाउस में जितने भी एम पी है उस पार्टी के उन सभी एम पी लोगों में एक हेड होता है जो इन सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करता है पार्टी के लाइन के अकॉर्डिंगली काम करवाता है तो उससे ऑफिसर को कहा जाता है वीप फर्स्ट थिंग डन सेकेंड रूलिंग साइड में जितने भी एम लोग सब लोगों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए तो इन लोगों का भी एक लीडर होगा ये पूरे रूलिंग साइड का एक लीडर होता है और वो लीडर यहां सबसे स्टार्टिंग में स्पीकर के यहां से सबसे पहले ही कुर्सी पे बैठता है और उसको कहा जाता है लीडर ऑफ हाउस द लीडर ऑफ हाउस हाउस का लीडर होता है ठीक है लीडर ऑफ हाउस अच्छा अब बताइए लीडर ऑफ हाउस कौन होता है रूलिंग साइड का ये एमपी तो होता ही है रूलिंग साइड का लीडर होता है राइट right? वैसे ही ऑपोजिशन साइड में भी बहुत सारी पार्टी होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस है एनसीपी है शिवसेना है ऐसे बहुत सारे पार्टीज है तो शिवसेना है अब इन सभी लोगों का अपना अपना एमपी होता है समाजवादी पार्टी है इन लोगों का भी अपना एमपी है तो ये अपने अपने पार्टीज में जितने भी एमपी होते हैं उसमें से एक को वीप बना के रखते हैं व्हीप मतलब ही इज द लीडर दिस पार्टी अमंग दिस पर्टिकुलर ऑल दिस एम है? और ये क्यों होता है सो कैन कोऑर्डिनेट विथ ऑल एक ही अप्रोच के साथ लोग काम करें ठीक है लेकिन ऑपोजिशन साइड में जितने भी पार्टीज होते हैं ये इंटायर ऑपोजिशन का भी एक लीडर होता है ठीक है वो यहां पर स्पीकर के लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट कुर्सी पर बैठता है और उसको कहा जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो एंटायर ऑपोजिशन का लीडर होता है ठीक है तो एक होता है लीडर ऑफ हाउस जो रूलिंग साइड का लीडर होता है एक ऑपोजिशन साइड का लीडर होता है दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इर रिस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी यू आर द लीडर ऑफ एंटायर ऑपोजिशन इस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी यू आर द लीडर ऑफ एंटायर रूलिंग साइड ठीक है रूलिंग साइड का लीडर कौन होता है तो आम तौर पे यह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो हमेशा ये बाय डिफॉल्ट होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ हाउस इन द इन लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट्स ही नॉमिनेट्स नॉमिनेट्स लीडर ऑफ हाउस इन अदर हाउस अदर हाउस यानी राज्यसभा में तो लोकसभा में इस समय लीडर ऑफ हाउस कौन है नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में कौन है तो पीयूष गोयल उन्होंने पीयूष गोयल को बना के रखा है ठीक है लीडर ऑफ हाउस करता क्या है वो रूलिंग साइड का लीडर होता है क्यों रूलिंग साइड का लीडर चाहिए सो दैट रूलिंग साइड में 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 जितनी भी पार्टीज है ये सब में एक house में. House में सब एक कोऑर्डिनेशन रहे हाउस हाउस लोग मिलकर काम करें हाउस में मिलकर अपने पॉइंट को रखे राइट गॉट इट सिमिलरली गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना के रखने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना के रखने के लिए ऑपोजिशन भी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करनी चाहिए दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड्स इन लोगों में कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करने का काम करता है लीडर ऑफ अपोजिशन सो ऑफ ऑफ द द पार्टी लाइन ही इज लीडर दिस अपोजिशन ठीक है नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बना जाएगा तो लोकसभा में अभी हम बात कर रहे हैं लोकसभा लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए अपोजिशन साइड में मतलब नॉन रूलिंग साइड में आपकी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए नॉन रूलिंग साइड में दस पार्टी है पांच पार्टी है कितनी भी पार्टी है उसमें आपकी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए सबसे ज्यादा एम पी आपका होना चाहिए एंड दिस मस्ट बी एटलीस्ट वन टेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन बनने के लिए सबसे पहली बात लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन साइड अपोजिशन साइड में एग्री प्लस टेन परसेंट सीट्स होना चाहिए ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एग्री जब यह दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा आज के टाइम पर लोकसभा में दर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बिकॉज अपोजिशन साइड की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस कांग्रेस के पास ही सबसे ज्यादा सीट है ऑपोजिशन साइड में लेकिन वो भी लोकसभा का वन टेंथ नहीं होता है वन टेंथ से कम है इसलिए उसका लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है दर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन सिंस 2014 उस समय से लेकर अब तक नहीं है ठीक है <coughs> अब लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है इसको कैबिनेट का रैंक दिया गया है कैबिनेट रैंक का मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना उन्हीं लोगों के बराबर का इसको रैंक मिला है ठीक है ये करता क्या है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट को असिस्ट करता है असिस्ट का बेसिकली सिलेक्ट कमेटी का ये हेड होता है सॉरी हेड नहीं होता है ठीक है थीके? इसके अलावा आ, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस पोजिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मैंशन नहीं है बट रूल्स ऑफ द हाउस में ये दिया गया है और इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्रिएट किया गया था बाय एन एक्ट दर इज अ सैलरी एंड एलोवेंस एक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट 1977 का ये एक कानून है जिस कानून के थ्रू लीडर ऑफ अपोजिशन के पोजिशन को क्रिएट किया गया था वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द पार्लियामेंट दैट ठीक है तो सबसे पहले तो लिख लीजिए लीडर ऑफ हाउस लीडर ऑफ हाउस लीडर ऑफ अपोजिशन भी लिखते हैं लेकिन उससे पहले लीडर ऑफ हाउस लिख लेते हैं अच्छा पहले से लिख चुके हैं क्या लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा तो तब ये लिखते हैं कट कर दिए तो जान दीजिए तो अब ये लिखिए लीडर ऑफ हाउस लीडर ऑफ हाउस लीडर ऑफ हाउस ठीक है तो इसमें आप पहला पॉइंट लिख लीजिए ही इज द लीडर ऑफ रूलिंग साइड इन द हाउस ही इज द लीडर ऑफ रूलिंग साइड इन द हाउस ही इज द लीडर ऑफ रूलिंग साइड इन द हाउस राइट फुल स्टॉप He is charged with the task, he is charged with the task, he is charged with the task to establish coordination, to establish coordination, to establish coordination among the MPs of ruling side among the MPs of the ruling side uh, Next point mein. prime minister is the leader of house of the house to which he belongs to which he belongs.

अब लिखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें लिखे नो प्रोविजन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नो प्रोविजन नो प्रोविजन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नो प्रोविजन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन No provision of leader of opposition in original constitution. In original constitution, next point Milke. created and given cabinet rank, created and given cabinet rank. given cabinet rank <coughs> by, by salary and allowance salary and allowance by salary and allowance of leader of opposition of leader of opposition salary and allowance of leader of opposition in parliament act 1977 act 1977 okay 1977 next point the party other than from the ruling side the party other than the party the party other than from the ruling side from the ruling side with largest number of members with largest number of members other than from the ruling side with largest number of members members in the house in the house bracket lijiye Lok Sabha LS. Okay? bracket close with at least with at least one tenth of the total strength of Lok Sabha of the total strength of Lok Sabha Lok Sabha is recognized as opposition party is recognized as opposition party recognized as opposition party, opposition party. Opposition party. And its leader as a leader of opposition. And its leader as leader of opposition. Leader. As a leader of opposition. Take care. नाउ अब इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए स्पीकर ऑब्लिक चेयरमैन स्पीकर ऑब्लिक चेयरमैन चेयरमैन रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ अपोजिशन द लीडर ऑफ अपोजिशन अब एक नोट लिखिए देखिए, ये जो टेन परसेंट वाला रिक्वायरमेंट है ना दिस इज ओनली इन लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ ये वाला पॉइंट फुलफिल होना चाहिए दैट्स इट, ठीक है तो नोट के फॉर्म में लिख लीजिए इन राज्यसभा इन राज्यसभा टू बी अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन As a leader of opposition, leader of opposition, comma, comma, person must be a leader of leader of largest party in the opposition side. the largest party in the opposition side. bracket, muller, 10% rule is not required here. here, 10% condition is not required. 10% rule or 10% condition is not required. done. okay. now, which terms say टर्म्स आर कॉल्ड डिजोल्यूशन ये टर्म समझ लीजिए डिजोल्यूशन क्या सैलरी अलावेंस में कई चीज आता है ना ट्रैवलिंग अलाउेंस हो गया वो सैलरी के अलावा होता है सैलरी अलग हो गया और अलावेंस अलग हो गया ठीक है नाउ डिसोल्यूशन एक चीज होता है दर इज समथिंग कॉल्ड डिसोल्यूशन दर इज समथिंग कॉल्ड प्रोरोगेशन प्रो रो गेशन ठीक है अच्छा एक चीज होता है सम्मन करना सम्मन डिजोल्यूशन प्रोरोगेशन फिर एडजर्न और एक चीज होता है एडजर्न साइन डाय ठीक है जी ये चार अलग अलग टर्म्स है सबसे पहला सम्मन क्या होता है वॉट इज सम्मन बुलाना मीटिंग को बुलाना ठीक है सम्मन का मतलब होता है बेसिकली टू कॉल द मीटिंग टू कॉल मीटिंग राइट मीटिंग या फिर मीटिंग जब एक दिन से ज्यादा दिन का होता है तो उसको सेशन बोलते हैं ठीक है थेके? अब ये सम्मन करने का पावर इंडियन पार्लियामेंट में यूनियन लेवल पे किसके पास है प्रेसिडेंट यस डन बाय प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल जब होता है तो वो गवर्नर ठीक है जी यस yes. क्या प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन से करता है या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। ठीक है तो दिस इज ऑलवेज ऑन दी एडवाइज ऑफ एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके डन यहां तक में अब देखते हैं ये संबंध कब करता है कैसे करता है देखिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर एटी है आर्टिकल एटी कहता है कि दो सिटिंग्स के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यू इंडिया के पार्लियामेंट के दो सिटिंग्स के बीच में छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ठीक है सो इमेजिन करिए दिस इज वन सिटिंग, एक सिटिंग हुआ ठीक है दिस इज वन सिटिंग और दूसरा सिटिंग दूसरा सिटिंग ठीक है इसके बीच में जो गैप होगा दैट गैप मस्ट नॉट बी ऑफ मोर देन सिक्स मंथ यानी मंथ से लेस देन सिक्स मंथ का गैप होना चाहिए ठीक है सॉरी oh, ये मैंने सेटिंग सेटिंग सेटिंग, लिख दी है क्या? Sitting और Sitting, ठीक है जी अब इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां पर तीन सेशन का कॉन्सेप्ट है आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ठीक है क्वेश्चन ये है आर्टिकल नंबर एटी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो सिटिंग्स के बीच में मतलब आज एक सिटिंग हुई और अगली जब सिटिंग होगी दो सीटिंग के बीच में छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए राइट मतलब मैक्स टू मैक्स सिक्स मंथ का आप गैप लगा सकते हैं और आपको पता ही है कि पार्लियामेंट की सेटिंग एक दिन की तो होगी नहीं वो दस दिन तो चलनी है तो जनवरी के दस एक तारीख से दस तारीख तक कर लीजिए फिर दूसरा सेटिंग कर लीजिएगा जून में जून में एक तारीख से दस तारीख के बीच में ऐसा कुछ भी कर लीजिए तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है इंडियन पार्लियामेंट को मिनिमम कितने सीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी इन अ ईयर मिनिमम कितने सेशन की रिक्वायरमेंट होगी इन मिनिमम आप इतना तो सेशन कर, करना ही पड़ेगा तो यह कंडीशन रहेगा मंथ मंथ से come, से कम ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए तो एक आपने सेशन किया एक तारीख से दस तारीख या पंद्रह तारीख तक कर लिया जनवरी में अब दूसरा सेशन आप करेंगे कब तो आपने सिक्स मंथ मैक्स टू मैक्स ताल दिया तो ज्यादा से ज्यादा आप महीना टालेंगे छः महीना कब हो जाएगा जून में कंप्लीट हो जाएगा में मतलब वो कैलकुलेशन उस हिसाब से ये तो मैं 10 ही दिन का कर रहा हूं ये जुलाई तक चलेगा दस जुलाई तक कर लिया ठीक है तो अब दूसरा सेशन आपको कब करना है लेट टू लेट भी टालते रहेंगे तो भी जनवरी तक तो जाते जाते तो बताइए एक साल में कितने सेशन की रिक्वायरमेंट है दो तीन, तीन कैसे? दो, दो है ना ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको एटलीस्ट कितने सेशन की रिक्वायरमेंट होगी एटलीस्ट टू सेशन आर रिक्वायर्ड ठीक है लेकिन हो सकता है कि हम जून में लास्ट टू लास्ट एकदम एंड में करने जा रहे उसी टाइम कोरोना आ गया ठीक है तो टालना पड़ जाएगा कुछ भी हो गया तो अगर 10 दिन भी टल गया पांच दिन भी किसी रीजन से टालना पड़ गया तो आर्टिकल 85 का वॉयलेशन होगा कि नहीं होगा हो जाएगा तो वैसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने तीन सेशन का कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई तीन रख लेते हैं चार चार महीने के गैप पे ही रख लेंगे ज्यादा झमेला ही नहीं अगर किसी रीजन से एक दो महीना टालना भी पड़ गया या दस पंद्रह दिन टालना भी पड़ गया तो भी आर्टिकल एटी का वॉयेशन नहीं होगा गॉट इट इसीलिए इन इंडिया वी हैव द ऑफ थ्री सेशन वन एक सेशन होता है जो हम फैब में करते हैं फैब से लेकर मे के टाइम पर चलता है ये बेसिकली समर सीजन के टाइम पर एक होता है जब आप जुलाई और अगस्त में करते हैं हाँ जी मॉनसून। और एक होता है जब हम नवंबर और दिसंबर के टाइम पे करते हैं इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ठीक है बस सिर्फ इसका एक टाइमिंग फिक्स कर दिया है वो भी इसमें सेशन का टाइम फिक्स नहीं है बजट पेश होने का टाइम फिक्स है दैट इज फर्स्ट ऑफ फेबर ठीक है इस सेशन को कहा जाता है बजट सेशन सेशन, सेशन दिस कॉल्ड मॉनसून सेशन, सेशन एंड दिस कॉल्ड विंटर सेशन एग्री ओके ना अच्छा याद रखेगा ऑल दी सेशन ये जितने भी सेशन वेशन है इसको कॉल कौन कर रहा है कॉल्ड बाय उंसिल ऑफ मिनिस्टर का तीस जनवरी को चालू करेंगे या थर्टी फर्स्ट ऑफ जैन को स्टार्ट करेंगे कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ना सिमिलरली इन लोगों का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है इसको बजट सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट इंट्रोड्यूस हो रहा है ठीक है दिस इज द लॉन्गेस्ट सेशन इंडियन पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सेशन यही होता है और दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन सबसे शॉर्ट सेशन अगर होता है इंडियन पार्लियामेंट का तो वो ये वाला है राइट दीज से पार्लियामेंट दिज आर द्री नॉर्मल सेशन और ये इसीलिए किया गया है सो दैट सिक्स मंथ का कॉन्सेप्ट ब्रीच ना हो इसके अलावा स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है स्पेशल सेशन कब बुलाया जाएगा बाई प्रेसिडेंट ऑलवेज आर कॉल्ड द प्रेसिडेंट वन दिस इज कॉल्ड ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके डन और दूसरा जब लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी समझिए देश में नेशनल इमरजेंसी चल रहा है ठीक है और लोकसभा चाहती है कि इस नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म किया जाए लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइज ही नहीं कर रहा है दिस नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है लोकसभा एक स्पेशल सेशन कॉल करवाती है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है रेजोल्यूशन पास करने के बाद में प्रेसिडेंट के लिए एक मैंडेटरी हो जाता है कि स्पेशल सेशन कॉल करवाओ और उस स्पेशल सेशन में नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने से रिलेटेड एक बिल को एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं द मोमेंट वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंटली मैंडेटरी होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर दे मतलब खत्म कर दे ठीक है सो दिस हां क्या होता है देश में नेशनल इमरजेंसी ठीक है लगाता कौन है तो प्रेसिडेंट ठीक है किसके एडवाइस पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ठीक है डन अब देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही है ओके okay? अब ऐसा लग रहा है कि वॉर वो, वो सब जो भी चीज था वो खत्म हो चुका है अब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाना चाहिए ठीक है तो नेशनल इमरजेंसी को खत्म कौन करेगा तो ये भी प्रेसिडेंट करता है ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट खुद के एडवाइस से खुद से नहीं करता है ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइट लेकिन इमेजिन करिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा एडवाइस ही नहीं दे रहा है इसको कि भाई खत्म करो तो क्या प्रेसिडेंट उसको खत्म कर सकता है नहीं तो ऐसे में एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो है लोकसभा अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देगा रिल किससे रिलेटेड टू एंड द नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने से रिलेटेड अगर एक रेजोल्यूशन लोकसभा पास करता है तो भले वो एडवाइस देना दे प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना वॉट इट ओके नाउ क्वेश्चन ये रेजोल्यूशन कब वो पास करेगा तो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाई जाती है ठीक है ये सेशन कौन बुलाता है प्रेसिडेंट बुलाता है लेकिन प्रेसिडेंट कब बुलाता है जब वन टेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट को ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं अगर वन टेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक स्पेशल सेशन कॉल करिए उस सेशन में हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे रिलेटेड टू रिवोकुश रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट ऐसा नस, आ, सेशन कॉल करेगा उसमें एक रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी को खत्म करे ठीक है लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तो ये अल्टरनेटिव दे रहा है कॉन्स्टिट्यू ये कहता है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज वायोलेशन एंड यू विल बी इम्पीच्ड और आर्टिकल 75 और 74 बोलता है एक्ट ऑन द एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव आर्टिकल थ्री तो, सॉरी थ्री 52, जो ये प्रोवाइड करता है कि स्पेशल सेशन में अगर पार्लियामेंट ने लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया तो फिर आपको उसके एडवाइस की जरूरत नहीं है तो आप ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्प दैट इज फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी दिस थिंग कैन बी डन ठीक है जी ओके तो स्पेशल सेशन इफ इफेंथ वन टेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा क्या ना आग द प्राइम मिनिस्टर आग द प्रेसिडेंट टू कॉल द स्पेशल सेशन ठीक है फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिवोकेशन सी रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड रिलेटेड टू देखिए, तो हम देख रहे थे summon, summon से रिलेटेड हमने वो बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया अब आइए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है डिसोल्यूशन का मतलब हाउस का लाइफ खत्म करना ठीक है डिसोल्यूशन का मतलब होता है टू एंड द लाइफ ऑफ द हाउस ठीक है बताइए लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है राज्यसभा का होता है नहीं होता है इट इज अ पॉमनेंट हाउस एग्जैक्टली तो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है डिसोल्यूशन कौन करता है बाय बाय प्रेसिडेंट यस बाय प्रेसिडेंट किसके कहने पर तो एडवाइज ऑफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वोटेड आउट हो चुकी है याद है है ना वोटेड आउट है तो फिर प्रेसिडेंट अपने खुद के डिस्क्रिप्शन का यूज करेगा गॉट इट डिस्क्रिप्शन डन सो दिस इज रिजोल्यूशन क्लियर नाउ वी हैव प्रोरोगेशन वॉट इज प्रोरोशन प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन को खत्म करना सेशन यहां पर सेशन को कॉल किसने किया प्रेसिडेंट तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द सेशन दैट मींस टू सेशन लेकिन उसी सेशन को खत्म भी तो किया जाएगा मई में जाकर ये खत्म भी तो होगा अगस्त में ये खत्म भी तो होगा तो ये खत्म करने को कहा जाता है टू प्रोरोगेट द सेशन सेशन को खत्म करना ठीक है तो सेशन को प्रोरोगेट कौन करता है प्रोरोगेशन ऑफ सेशन ये कौन करता है बाय प्रेसिडेंट याद रखिएगा ठीक है जी प्रोरोन ऑफ सेशन इज ऑल्सो डन बाय प्रेसिडेंट ना व्हाट इज प्रोरोन का मतलब क्या होता है प्रोरोगेशन का मतलब होता है टू एंड द सेशन वॉट इट सेशन को एंड करना दिस इज डन बाय हुम तो बाय प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली राइट और ये खुद के डिस्क्रिप्शन से या किसी के कहने पर कहने पर यस ऑन एडवाइज ऑफ उंसिल ऑफ मिनिस्टर में, में शांति से थोड़ी चलता है बीच में लड़ाई झगड़ा सब चीज तो होना है तो आपने कई बार सुना होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि द हाउस इज अर जर्न टिल मंडे टू पी एम या दाउस इज एर्न ट फ्राइडे 2 pm इस तरीके से आज अगर मंडे इमेजिन करिए तो बोल दिया कि वेनजडे तक हाउस एडजर्न हो गया है मतलब हाउस के सेशन में ब्रेक लग गया है अब फिर से रिज्यूम करेंगे हम वेनसडे को ये जनरली तब किया जाता है जब हाउस में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है लड़ाई झगड़ा शोर कर रहा है तो बोल देता है कि भैया अभी के लिए एक काम करो मीटिंग को, को स्टॉप करते हैं दो दिन के बाद मीटिंग करेंगे या आधे घंटे के बाद करेंगे जो भी है तो ये जो ब्रेक लगाते हैं दैट ब्रेक इज कॉल्ड एडजर्न ठीक है जी सो वॉट इज एड जन का मतलब होता है ब्रेक या फिर रिसेस इन दी सेशन ठीक है जी सेशन में जब ब्रेक लगाया जाता है ठीक है नाउ ये ब्रेक कौन लगाता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑलवेज बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ठीक है किसी के एडवाइस पे या खुद का डिस्क्रिप्शन से तो खुद के डिस्क्रिप्शन ये इसका खुद का डिस्क्रिप्शन होता है ये इसका खुद का डिस्क्रिशनरी होता है तो में एंड हाँ जी सेशन को खत्म कर देना एंड कर देना और ये होता है उसमें ब्रेक लगाना ठीक है नाउ एडजर्न करने में अगर आपने अभी ध्यान दिया हो मैंने कहा हाउस इज एडजर्न टे थ्री पी एम यानी जब आप एडजर्न करते हैं ब्रेक लगाते हैं तो उसी टाइम बताते हैं कब आपको रिटर्न आना है ठीक है यहां पर ही प्री डिसाइडेड होता है प्री डिसाइडेड टाइम ऑफ रिटर्न ठीक है टाइम ऑफ रिटर्न ठीक है और वही जब प्री डिसाइडेड नहीं होता है स्पीकर बोलता है कि भाई अभी जाओ बाद में बताएंगे कब आना है तो उसको कहा जाता है साइन जर्न साइंड हाउस इज ए जर्न साइन आय मतलब हाउस को अभी फिलहाल के लिए ब्रेक लगाया गया है कब आना है वो डिसाइडेड नहीं है ठीक है तो ये भी सेम टू सेम वही है इट इज ऑल्सो ब्रेक नाउ दिस इज ऑल्सो बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बट द ऑनली डिस थिंग इज जो टाइम ऑफ रिटर्न है टाइम या डेट ऑफ रिटर्न है ये डिसाइडेड नहीं है ऑफ रिटर्न इज नॉट प्री डिसाइडेड ठीक है जी डिसाइडेड। अच्छा क्या एडजर्न जब हाउस एडजर्न चल रहा है उसी बीच में हाउस के सेशन को खत्म किया जा सकता है किया जा सकता है ठीक है तो वो नोट के फॉर्म में भी लिख लेंगे प्रोरोगेशन तभी भी हो सकता है इवन ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग एडजर्नमेंट ठीक है जब एडजर्नमेंट चल रहा है करेक्ट डन दिस फटाफट शॉर्ट में ही इसको लिख लिख के खत्म कर दीजिए एकदम ही शॉर्ट में जी यही लिखना है वर्ड टू तो वर्ड ऐसे ही लिख के सिंपल शॉर्ट में खत्म कर देते हैं पहला लिख लीजिए समन अच्छा सम्मान के साथ में इसको भी लिख के खत्म कर दीजिएगा उसके बाद में वो रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन पहले समन समन का मतलब क्या होता है टू कॉल मीटिंग या सेशन टू कॉल मीटिंग और सेशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लीजिए बाय द प्रेसिडेंट ऑन ऑफ सीओएम, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हां जी अब ऐसा लिख लीजिए एज पर आर्टिकल एटी फाइव दर शाल बी अ गैप ऑफ नॉट मोर देन सिक्स मंथ बिटवीन द टू सीटिंग्स अ गैप ऑफ नॉट मोर देन सिक्स मंथ सिक्स मंथ बिटवीन द टू सीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है जी दो सेटिंग्स के बीच में इतना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ठीक है ना नोट करके लिख लीजिए एकॉर्ड मिया टू फुलफिल दिस कंडीशन एटलीस्ट टू सेशन इज मैंडेटरी टू फुलफिल दिस कंडीशन टू फुलफिल दिस कंडीशन एटलीस्ट टू सेशन इज मैंडेटरी But Indian Parliament has a provision of three normal session. But Indian Parliament has a provision of three normal session. Has, has a provision of three normal session. Three normal session. Three normal session. कौन Sessions. कॉल्ड से वो तो पता ही है ठीक है अब लिख लीजिए बजट सेशन बजट सेशन लॉन्गेस्ट सेशन लॉन्गेस्ट सेशन ठीक है देन फर्स्ट फेब को बजट इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट फेब मतलब फर्स्ट फेब को बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ फेब यू विल सी देर विल बी अ बजट एवरी ईयर इज बजट और ये स्टार्ट कब से हुआ 2018 से स्टार्ट हुआ है दिस इज द लॉन्गेस्ट सेशन 2018 से 2000 नहीं उससे पहले 30 तारीख को लाया जाता था तीस फरवरी को सॉरी कोठाईस फरवरी लास्ट ट्वेंटी एट ऑफ फेब और देन सेकेंड इज द मॉनसून सेशन एंड थर्ड इज द विंटर सेशन विंटर सेशन इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट ठीक है हाँ जी देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल सेशन एज वेल स्पेशल सेशन स्पेशल सेशन अगेन प्रेसिडेंट ही बुलाता है दो पॉइंट है एक है ऑन द एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाँ कोई भी सेशन ऑलवेज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो प्रोवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट यूनियन लेवल का स्टेट लेवल का है तो गवर्नर ठीक है ना हम्म। ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वो वाला चीज मैं बोलता हूं बोलू इफ वन टेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिक्वेस्ट वन टेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट for a special session for the purpose to pass the resolution to pass the resolution for revocation revocation for revocation of of national emergency. Tigger okay? done. ऑफ नेशनल इमरजेंसी करेक्ट है? अब लिख लीजिए डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन का मतलब होता है टू एंड द लाइफ ऑफ द हाउस हाउस का जो लाइफ है उसको खत्म करना याद रखेगा दिस हैपेंस ओनली ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ राज्यसभा बिकॉज राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस है ना टू एंड द लाइफ ऑफ लोकसभा टू एंड द लाइफ ऑफ द हाउस लाइफ ऑफ द हाउस या लाइफ ऑफ लोकसभा दोनों एक ही चीज हो गया क्योंकि लोकसभा का ही तो होता है नेक्स्ट बाई प्रेसिडेंट बाई प्रेसिडेंट राइट इसमें ए और बी करके पहला ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर or Dusra by his own discretion by his own discretion by his own discretion if if Council of Minister is voted out if Council of Minister is voted out by his own discretion if Council of Minister is voted out okay done अब आ, प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन लिख लीजिए प्रोवोकेशन का मतलब होता है टू एंड द सेशन प्रोवोकेशन बोल दो प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है टू एंड द सेशन सेशन को खत्म करना ठीक है दिस इज बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सी ओ एम सीओम की एडवाइस पर ठीक है जी देन दिस कैन ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस इफ द हाउस इज एट इन एडजर्न स्टेज इट कैन ऑल्सो हैपन वेन हाउस इज इज इन एडजर्न स्टेट एट जर्न स्टेट में स्टेट ओके okay? अब एडजर्न क्या होता है एडजर्न का मतलब होता है ब्रेक या रिसेस इन द सेशन सेशन में जब ब्रेक या रिसेस लग जाए ब्रेक या रिसेस इन द सेशन Then, this is by the presiding officer under his own discretion. By presiding officer under his own discretion. Presiding officer, presiding officer under his own discretion. By presiding officer under his own discretion. Now, next. Uh -huh. Pre-decided time of return. There is predecided time of return. Time of return. Adjourn sign die. Similar like adjourn, but the only difference is time of return is not predecided. Similar like adjourn. Similar like adjourn. But the only difference is but the only difference is time of return is not pre decided. Time of return is not pre decided. decided. is not predecided. ठीक है जी नाउ नेक्स्ट हाँ जी ये एकदम ही कॉमन से एक होता है अच्छा यहीं पे नोट लिख लिए दिस एडजर्न इज डिफरेंट फ्रॉम एडजर्नमेंट मोशन एक मोशन होता है एडजर्नमेंट मोशन दिस एडजर्न इज डिफरेंट फ्रॉम एडजर्नमेंट मोशन ठीक है मोशन, ठीक है डन अब ये ध्यान रखिए ये लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह होता है ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह होता है ये तो कॉमन ही है ये सिर्फ लोकसभा का है ठीक है डिसोल्यूशन और जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडजर्नमेंट मोशन एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में होता है राइट right? तो मोशन इज ऑनली इन लोकसभा एडजर्नमेंट मोशन ठीक है अब आइए अब एक चीज देखते हैं दैट इज सिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट भले आपका प्रिलिम्स के लिए मेंस के लिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 108 यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल दिस इज जॉइंट सिटिंग ठीक है जी अब नाउ जॉइंट सिटिंग कब होता है कैसे होता है फलाना डिगराना तरीका देखिए देखिए फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस अगर लोकसभा है तो सेकेंड हाउस राज्यसभा है और अगर फर्स्ट हाउस राज्यसभा है तो सेकेंड हाउस लोकसभा है एग्री ठीक है नाउ अगर समझिए फर्स्ट हाउस ने कोई बिल पास कर दिया देर इज अ बिल विच इज पास बाय द लोक फर्स्ट हाउस बस सेकेंड हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया ठीक है या फिर फर्स्ट हाउस ने उस बिल को पास कर दिया एंड सेकेंड हाउस उस बिल को विथ होल्ड करके रखा है विथ होल्ड फॉर सिक्स मंथ सिक्स मंथ तक इसने उस बिल को विथ होल्ड करके रखा है कोई भी एक्शन नहीं लिया ठीक है या तीसरा चीज इसने फर्स्ट हाउस ने बिल को पास कर दिया सेकेंड हाउस उस बिल को अमेंड करता है और रिटर्न करता है इसमें अमेंडमेंट कर देता है सेकेंड हाउस मेक्स एन अमेंडमेंट टू द बिल राइट और इस अमेंडमेंट से फर्स्ट हाउस एग्री नहीं कर रहा है गॉट इट? बिल एंड सेकंड या दूसरा बिल एंड सेकंड हाउस विथ होल्ड द बिल फॉर दिक्स मंथ पीरियड is थर्ड इज first फर्स्ट हाउस the बिल एंड second हाउस मेक्स एन अमेंडमेंट टू द बिल बट फर्स्ट हाउस डू नॉट एग्री with दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होगा तो हम कहते हैं बिल के पैसेज में डेडलॉक क्रिएट हो गया है डेडलॉक इन पैसेज ऑफ बिल एग्री ठीक है यही तीन सिचुएशन होगा तो दिस थ्री सिचुएशंस आर कॉल्ड टू बी अ डेडलॉक एग्री राइट अब अगर ऐसा डेडलॉक होता है तो क्या होगा लोकसभा और राज्यसभा क्योंकि दोनों हाउस में क्लैश हो रहा है तो दोनों हाउस के मेंबर को इकट्ठा एक, एक जगह बुलाया जाता है सेंट्रल हॉल में और उसी को कहा जाता है जॉइंट सिटिंग ठीक है तो अगर ये सिचुएशन होता है तो फिर ऐसे में कॉल किया जाता है जॉइंट सिटिंग ठीक है बाय प्रेसिडेंट इट इस प्रेसिडेंट हु जॉइंट सिटिंग राइट जॉइंट सिटिंग तो इसको कॉल किसने किया प्रेसिडेंट एग्री exactly. अब जैसे जॉइंट सिटिंग होगा सभी मेंबर्स लोग सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स लोग और इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है तो याद रखिएगा स्पीकर होता है ठीक है अगर किसी रीजन से स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर एग्जैक्टली डिप्टी स्पीकर एंड किसी भी रीजन से डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है याद रखेगा नोट करने वाला बात यह है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पर नहीं होता है नेवर द द जॉइंट और रीजन क्या है बिकॉज़ ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राइट और उसको सिर्फ चार्ज दिया गया है राज्यसभा को प्रिसाइड करने का वो लोकसभा के मेंबर्स भी क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है इसलिए वो प्रिसाइड नहीं कर सकता ओके डन देन यहां पर मीटिंग जब होगी तो इस मीटिंग में कौन से पॉइंट को डिस्कस किया जाता है यहां पर डिस्कशन कौन से पॉइंट के ऊपर होता है राइट right? डिस्कशन कौन से पॉइंट के ऊपर होता है तो ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट एग्री ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट ठीक है डन देन उसके बाद में अब ये जो ज्वाइंट सेटिंग होती है ज्वाइंट सेटिंग में कोई भी डिस्कशन हुआ उसके बाद में वोटिंग किस मेजॉरिटी से की जाती है तो इट इज बाई सिंपल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी जितने भी प्रेजेंट हैं और वोटिंग अब जरा बताइए अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अपने सारे मेंबर्स को बुला लिया तो ज्वाइंट सेटिंग में डोमिनेंस किसकी चलने वाली है लोकसभा की राइट सो नॉर्मली इट इज नॉर्मली यू विल सी कि लोकसभा का यहां पर डोमिनेंस होता है डोमिनेंस

एंड वोटिंग यहां पर सिंपल मेजोरिटी से होती है बिकॉज लोकसभा के पास नंबर ज्यादा है हैंस यू विल सी के यहां पर लोकसभा के मेंबर्स का डोमिनेशन होता है डोमिनेंस होता है ठीक है दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन ओनली वेन जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड यहां तक क्लियर अब अगर समझिए आज डेट क्या है फोर्थ है फोर्थ दिसंबर ठीक है आज के दिन समझिए प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया था मतलब कुछ भी डिस्प्यूट हो चुका है दर इज अ डिस्प्यूट और उसके बाद में आज प्रेसिडेंट ने एक कॉल कर दिया जॉइंट सेटिंग का कि भाई सेवेंथ को हम जॉइंट सेटिंग बुला रहे हैं ठीक है लेकिन इमेजिन करिए कल फिफ्थ को लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या सेवेंथ को जॉइंट सेटिंग होगी या नहीं होगी होगी यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि होगी और जो लोकसभा पहले थी ना भले डिसॉल्व हो गई लेकिन सिर्फ जॉइंट सेटिंग के लिए उस दिन उन लोग आएंगे वही पुराने लोकसभा वाले लोग भले ही इमेजिन करिए कि सिक्स को नई लोकसभा बन चुकी है तो सेवेंथ को कौन सी लोकसभा आएगी पुरानी वाली आएगी ठीक है जी याद रखिएगा जब उसने कॉल किया उस समय जो भी लोकसभा एग्जिस्ट कर रही थी वो ही लोकसभा आएगी ठीक है सो इफ द लोकसभा ये तो खैर मैं बता दूंगा ये नोट के फॉर्म में इफ द लोकसभा इज डिजोल्व आफ्टर द प्रोक्लेमेशन और आफ्टर द स्टेटमेंट

एक था बैंकिंग सर्विस कमीशन को खत्म करने से रिलेटेड 1978 में तब हुई थी और वो एक हुई थी 2002 में जब पोटा का कानून दैट इज टेररिज्म से रिलेटेड वो वाला कानून को पास करने के लिए तो तीन बार आज तक आजाद हिंदुस्तान में इंडियन पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेटिंग हो चुकी है ठीक है चलिए ये फटाफट नोट डाउन कौन सा नहीं वो इंडिविजुअल मेंबर नहीं आएगा उाउन हाउस आएगी अगर हाउस डिसॉल्व हो रही है तो आएगी अगर मेंबर कोई एमपीच हो चुका है तो फिर वो तो गया ही ठीक है जी हाँ. अब लिखिए हेडिंग दे दीजिए लिखिएल हंड्रेड एंड एट पहला लिखिए सिचुएशन व्हेन द जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड सिचुएशन व्हेन द जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड स्टेटमेंट फॉर्म में बोलू या ये वाले स्टाइल में लिखेंगे स्टेटमेंट बोलिए या ऐसा आप लोग लिख लिखेंगे कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है ना ये याद जल्दी हो जाएगा ऐसा लिखिए फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस फर्स्ट हाँ जी ऐसे यही फॉर्म में लिख लीजिए टेबल के फॉर्म में तो ये थोड़ा सा आसान होगा याद करने में अच्छा और एक चीज और याद रख लीजिए जॉइंट सिटिंग हमारे पास टोटल बिल्स कितने टाइप की होती है फोर एब्सोल्युटली वन इज ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ठीक है याद रखिएगा जॉइंट सेटिंग ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल के केस में होती है मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में दर इज नो जॉइंट सेटिंग ठीक है बस yes. चलिए पहले वो लिख लीजिए टेबल को कंप्लीट करिए सेकेंड है जब सेकेंड हाउस इसको विथ होल्ड करके रखता है विथ होल्ड द बिल फॉर सिक्स मंथ विथ होल्ड द बिल फॉर सिक्स मंथ हाँ जी मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बाकी आप लो house, house. House लोग लिखिएगा ऐसा टेबल फॉर्म में फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस लोकसभा है तो सेकेंड हाउस राज्यसभा फर्स्ट हाउस राज्यसभा है तो सेकेंड हाउस लोकसभा ठीक है पहला पॉइंट वेन फर्स्ट हाउस पासेज द बिल एंड सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ठीक है सेकेंड वेन फर्स्ट हाउस पासिस द बिल एंड सेकेंड हाउस विथ होल्ड द बिल फॉर सिक्स मंथ ठीक है थर्ड वेन फर्स्ट हाउस पासिस बिल, सेकेंड हाउस मेक्स एन अमेंडमेंट टू द बिल टू विच टू विच फर्स्ट हाउस डू नॉट एग्री ठीक है सेकेंड हाउस मेक्स द अमेंडमेंट टू विच फर्स्ट हाउस डू नॉट एग्री ठीक है दीज आर द्री सिचुएशन वेन द जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड यही तीन सिचुएशन है जब ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है एग्री डन ओके नाउ राइट सेटिंग में आर्टिकल क्या है 108 एंड एट आर्टिकल हंड्रेड एंड एट ठीक है दूसरा बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्सेप्ट कहां से हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सेटिंग का कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ठीक है नेक्स्ट लिख लीजिए कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट Called by president. Then next presiding officer hota hai to speaker. Presided by speaker. Presided by speaker. In his absence, deputy speaker. Then in his absence, absence to deputy speaker. In his absence. डेप्युटी स्पीकर बाय डेप्युटी स्पीकर एंड देन फिर से इन हिज एब्सेंस बाय डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है नोट करके लिख लीजिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा presides joint sitting. Chairman चेयरमैन ऑफ राज्यसभा never presides joint sitting. ठीक <laughs> है जी एक सेकेंड जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड एक बात पॉपुलर है ना वैसे नाउ फिर लिख लीजिए ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट्स आर पुट ऑन टेबल फॉर डिस्काशन ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट्स आर पुट ऑन टेबल फॉर डिस्काशन हाँ ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट बिल में कोई भी डिस्प्यूट इंटायर बिल को नहीं डाला जाता है बिल में जो भी पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूट है फूसी को टेबल किया जाता है ओनली डिस्प्यूटेड पॉइंट आर पुट ऑन टेबल फॉर डिस्काशन ठीक है जी फिर लिख लीजिए इन जॉइंट सिटिंग बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन जॉइंट सिटिंग बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी राइट ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉर्मली लोकसभा डोमिनेट्स नॉर्मली लोकसभा डोमिनेट्स नॉर्मली लोकसभा डोमिनेट्स ठीक है जी देन अब लिखिए हम लोकसभा Uh, sorry joint sitting joint sitting can take place only in case of can take place only in case of only in case of deadlock deadlock over the passage of over the passage of over the passage of ordinary बिल एंड फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल फाइनेंशियल बिल के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए बोथ टाइप टाइप वन टाइप टू जितने भी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था जॉइंट सेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस ऑफ पीपल मतलब Sabha. Council of State means Rajya Sabha. So, joint sitting of the House of People and the Council of State is summoned by. Joint sitting of House House of People and Council of State is summoned by President. President. simple sa question hai. Ha. there is no provision. Bracket नो ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग एंड सिटिंग कांसेप्ट नहीं होता है ठीक है ना अच्छा एक बात बताइए ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन से बुलाएगा या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस पे ठीक है उन लोग किसी के एडवाइस पर प्रेसिडेंट को ये बोलने वाले हैं या खुद के हिसाब से सोच के प्राइम मिनिस्टर किसी के कहने पर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करेगा सी प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोई एडवाइस नहीं ना अच्छा तो फिर वो क्या करेगा खुद से सोचेगा उसको लगेगा कि सिचुएशन है तो राइट right? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन लिखा रहे या कुछ भी रहे इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉइंट सेटिंग राइट थोड़ा सा टेक्निकल है समझने के हिसाब से जरा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चार शब्द दिए गए हैं और बोल रहा है कि ये चार शब्द में से कौन सा शब्द बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है joint sitting से तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज the रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल द message सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द the अंडर आर्टिकल the, the parliament under ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the Constitution 108 राइट तो ऑप्शन है इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट direction of the president, wisdom of the president and consent of the president uh, intention of the president then direction of the president, wisdom of the president and uh, consent of the president <laughs> consent of the president ye <laughs> ye ऐसा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ नहीं है ये आपको बस सिर्फ समझना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है हर आदमी को ये चारों स्टेटमेंट कोई भी सही लग सकता है कि इसका मतलब क्या है कि आप प्रेसिडेंट अपने विजडम से प्रेसिडेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर तो क्या उसके विजडम उसको लग रहा है इसके लिए करना है या उसके इंटेंशन पे हो रहा है वो चाहता है इसलिए होना है उसको लग रहा है या वो चाहता है क्या है तो एम पी पी ने वैसे उसको पहला वाला ऑप्शन को राइट दिया था इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है लेकिन ये कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब कि मतलब उसको लग रहा है कि जॉन से कॉल करना है <laughs> तो वो कॉल कर रहा है तो मतलब तो तो i… कई बार सिचुएशन क्रिएट होने पे भी नहीं बुलाया जाएगा ना सिचुएशन क्रिएट हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उसका इंटेंशन नहीं है कॉल करने का वो नहीं कॉल करेगा राइट right? <laughs> उसका इंटेंशन होगा तो ही कॉल किया जाएगा ठीक है जी अच्छा पानी जरा ना ठीक है राइट सो इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट को वैसे राइट right मार्क किया गया था राइट right? अब एक और नोट लिख लीजिए ये नोट लिखिए फटाफट इसमें इफ द लोकसभा इज डिजोल्व if the lok sabha is dissolved after after the president after the president gives the call for the dissolution uh, sorry uh, if the lok sabha is dissolved after after the president gives a call for joint sitting for joint sitting full cool stop joint sitting will take place place with the participation of old lok sabha joint sitting will take place with the participation of old lok sabha take care take care आर्टिकल नंबर 86 सिक्स आर्टिकल नंबर 87 अगर आप लोग को याद होगा वहां पर भी हमने पढ़ा था कि स्पेशल सेशन स्पेशल सीटिंग होती है जब प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस करने के लिए बैठ जाता है प्रेसिडेंट याद रखिएगा उस टाइम पर भी दोनों हाउस इकट्ठा बैठती है लेकिन उसको ज्वाइंट सीटिंग नहीं कहा जाता है दैट इज नॉट कॉल्ड ज्वाइंट सीटिंग तो नोट करके लिख लीजिए कलेक्टिव सीटिंग कलेक्टिव सीटिंग of two house of parliament under article 86 and 87 86 and 87 are not termed as joint sitting are not termed as joint sitting mm -hmm. okay? termed. termed as joint sitting usko joint sitting nahi bolte ya. Okay? आर नॉट टर्म्ड ज्वाइंट सिटिंग, ओके? हाँ, तीन बार ही हुई है अब वो लिख लेते हैं टिल डेट ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल एट हंड्रेड एंड एट ज्वाइंट अंडर आर्टिकल हंड्रेड एंड एट टिल डेट ज्वाइंट सिटिंग, अंडर आर्टिकल हंड्रेड एंड एट हैज प्लेस ओनली थ्री टाइम्स हैज प्लेस ओनली थ्री टाइम्स पहला लिख लीजिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 देन सेकंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक्ट 1961 ठीक है देन सेकंड सेकंड है बैंकिंग सर्विस कमीशन बैंकिंग सर्विस कमीशन banking service commission repeal act ha, repeal repeal act 1978 1978 and third prevention of terrorism act pota pota ka kanun 2002 ka prevention of terrorism act 2002 ठीक है जी डन ज्वाइंट सेटिंग से रिलेटेड बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स well के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है अब ये बताइए डिजोल्यूशन क्या होता है वॉट इज डिजोल्यूशन डिजोल्व होता है क्या डिजोल्व होता है लोकसभा ठीक है लोकसभा को जब डिजोल्व किया जाता है हाँ सेशन सेशन नहीं लोकसभा का लाइफ ही खत्म होना दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन ठीक है अब डिजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मोशन या बिल्स इसके ऊपर डिजोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है ठीक है अगर समझिए लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया सो वी हैव डिजॉल्यूशन 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 किसका होता है सिर्फ लोकसभा का इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा ठीक है करेक्ट है नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है इसका इंपैक्ट ऑन बिल बिल्स या मोशन या रेजोल्यूशन मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में कि मोशन और रेजोल्यूशन क्या होता है लेकिन अभी के लिए यही देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या है एक काम करेगा इसको इसी फॉर्मेट में फटाफट साथ ही लिख लिख के खत्म करिए ठीक है थीके? सो इफ दर इज अ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा सो वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन बिल्स मोशन या फिर रेजोल्यूशन तो याद रखेगा मोशन एंड रेजोल्यूशन ये पूरा लैप्स हो जाते हैं जो भी मोशन चल रहा था वो सारे मोशन खत्म हो जाते हैं जो भी रेजोल्यूशन uh, चल रहे थे वो सारे रेजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं मोशन एंड रेजोल्यूशन हाउस के अंदर होता है तो मोशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा सारे लैप्स हो जाते हैं ठीक है राज्यसभा का अपना मोशन चलता है लोकसभा का अपना मोशन चलता है तो राज्यसभा के मोशन को कोई इंपैक्ट नहीं होगा लेकिन लोकसभा का मोशन लैप्स हो जाता है राज्यसभा का अ, 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 मोशन वैसे ही रहेगा रेजोल्यूशन लोकसभा का रेजोल्यूशन भी लैप्स हो जाता है व्हाट इट डन लैप्स होना मतलब खत्म हो जाना मोशन एंड रेजोल्यूशन लोकसभा का राज्यसभा का एज इट इज रहेगा राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट बिल्स इंपॉर्टेंट ये है ठीक है स्टार मार्क बिल्स में क्या होता है देखिए देर आर सम ऑफ द बिल्स जो लैप्स होगा देर आर सम ऑफ द बिल्स जो लैप्स नहीं होगा समझिए कैसे अब ये बहुत अच्छे से समझिए समझिए दर इज लोकसभा दर इज राज्यसभा ठीक है कोई बिल जो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ मतलब बिल को वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और अभी लोकसभा में ही वो पेंडिंग चल रहा है ठीक है तो फिर ऐसा बिल लैप्स हो जाएगा ठीक है अगर कोई बिल समझिए लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ अभी लोकसभा में ही चल रहा था पास होकर गया नहीं इसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई वो बिल खत्म गॉट इट गॉट इट डन है न देखिए कोई बिल था लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और फॉर एग्जाम्पल समझिए ट्रिपल तलाक से रिलेटेड बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा में अभी पेंडिंग है डिस्कशन हो ही रहा है अभी पास होकर निकला नहीं यहाँ से और इसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल का क्या होगा बिल खत्म हो जाएगी अब फिर आपको बाद में एक फ्रेश बिल लाना पड़ेगा ये बिल खत्म हो गया ठीक है दूसरा अगर कोई बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ यहाँ से तो पास हो चुका है अब राज्यसभा में पेंडिंग है तो इस बिल का क्या होगा तो यह बिल भी लैप्स हो जाएगा ठीक है डन फिर अगर कोई बिल लोकसभा से पास हुआ था लोकसभा से पास हो गया ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में यहां पास हो गया राज्यसभा के पास गया राज्यसभा ने इस बिल को रिटर्न कर दिया था और अभी यह रिटर्न होने की वजह से इट इज पेंडिंग इन लोकसभा वहाँ गया उसने अमेंड किया रिटर्न भेजा फिर लोकसभा के पास आ गया है ठीक है अब लोकसभा के पास पेंडिंग चल रहा है तो इस बिल का क्या होगा ये बिल भी लैप्स हो जाएगी ठीक है लेकिन कोई बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा में ही अभी पेंडिंग चल रहा है पास नहीं हुआ पास होता तो मैं टिकमा कर राइट मार देता हाँ यहीं पे पेंडिंग हो रहा है तो ये क्या होगा नॉट लैप्स विल नॉट लैप्स ठीक है ये कंटिन्यू रहेगा ये अभी भी जिंदा है ठीक है देन उसके बाद में यहां पर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ यहां से पास हो गया और लोकसभा में पेंडिंग चल रहा है तो इसका क्या होगा याद रखिएगा ये लैप्स हो जाएगी ठीक है कोई बिल जो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ यहां से पास हुआ उसके पास गया उसने रिटर्न भेजा ठीक है और अभी पेंडिंग इधर चल रहा है तो इसका ये भी लैप्स हो जाएगा ठीक है जी अब कोई बिल जो दोनों ही जगह से पास हो गया था और प्रेसिडेंट के पास ये अपना प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग चल रहा है तो इसका क्या होगा ये लैप्स नहीं होगा विल नॉट लैप्स नॉट लैप्स ठीक है जी फिर कोई बिल दोनों जगह से पास हुआ था प्रेसिडेंट के पास गया प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो लगा के रिटर्न कर दिया है रिटर्न भेजा है तो अब यह बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा तो यह बिल भी लैप्स नहीं होगा नॉट लैप्स ठीक है और या फिर कोई बिल है जो दोनों जगह से पास हो गया था प्रेस, दोनों जगह से पास नहीं हुआ एक जगह से पास हुआ एक जगह से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहां से पास हुआ है यहां पर अटका है या फिर यहां से पास हुआ है यहां पर अटका हुआ है कुछ भी होगा और जॉइंट सेटिंग बुला दिया है जॉइंट सेटिंग इस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या बिल लैप्स होगा बिल लैप्स नहीं होगा ज्वाइंट सेटिंग होगी और पुराना लोकसभा आएगा ठीक है तो नॉट लैप्स बस ये पूछता है ये आपको प्रब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन जैसा चीज लगता है इसलिए इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा बट इसको याद करने का एक सिंपल तरीका कहाँ लैप्स नहीं होगा वो बस याद कर लीजिए कहानी खत्म कहाँ लैप्स नहीं होगा जहां जहां प्रेसिडेंट आ गया दोनों जगह पास हुआ प्रेसिडेंट के पास गया वो क्या करेगा या तो पेंडिंग रखा है तो लैप्स होगा नहीं या उसने रिटर्न भेजा तो लैप्स होगा नहीं या उसने जॉइंट सेटिंग बुलाया तो लैप्स होगा नहीं तो अपना प्रेसिडेंट तीन जगह आया तीन काम निपट गया राइट फिर एक देखना है जब राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा में ही पेंडिंग है तो लैप्स नहीं होगा बाकी का कोई भी सिचुएशन है बिल लैप्स हो जाएगा ठीक है जी बस इतना ही है so, bill, uh, bills, तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ द बिल इम्पैक्ट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑन द बिल्स ठीक है तो लिखिए फ्रैक्ट इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये सिंपल ज्यादा रहेगा अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा इसको थोड़ा क्लियर कर दू क्या ठीक है रुकिए देखिए नॉट लैप्स विल नॉट लैप्स वाले कैटेगरी में क्या होता है इफ द बिल इज पास फ्राम टू हाउस दो राइट का मतलब दो हाउस एंड नाउ इट इज विद द प्रेसिडेंट ठीक है प्रेसिडेंट या तो ज्वाइंट सिटिंग बुला रहा है प्रेसिडेंट या तो फिर अपने उधर ही इसी के पास पेंडिंग चल रहा है ठीक है और या फिर प्रेसिडेंट क्या कर रहा है प्रेसिडेंट uh, ने रिटर्न भेजा अच्छा यहाँ पर कुछ भी कैटेगरी हो सकता है इस दोनों ने पास किया तो ये दोनों सिचुएशन होगा अगर एक ने पास किया और एक पास नहीं कर रहा है इसने पास किया इसने पास नहीं किया या फिर इसने पास किया इसने पास नहीं किया कुछ भी होगा मतलब प्रेसिडेंट अगर केस में आ चुका है तो फिर बिल लैप्स नहीं होने वाला है ऑलवेज रिमेंबर ठीक है और दूसरा केस है राज्यसभा में ओरिजिनेट एंड पेंडिंग है लोकसभा का भी कुछ भी नहीं हुआ तो भी ये लैप्स नहीं होगा वन केस टू केस फर्स्ट में तीन है वो हमने तीनों को क्लब कर दिया तो कब लैप्स नहीं होगा अगर फर्स्ट हाउस ने बिल को पास किया दोनों ही हाउस ने बिल को पास किया एंड नाउ द बिल इज विद द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के वहां पेंडिंग है या प्रेसिडेंट ने रिटर्न भेजा है तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा और इसको और एक थोड़ा सिंपल कर देता हूँ रुकिया मिनट रुक इस केस में भी प्रेसिडेंट इस इस केस में इस केस में में भी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बिल पेंडिंग है दोनों हाउस ने बिल पास किया एंड नाउ बिल इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट। बिल विल नॉट लैप्स। दोनों हाउस ने बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न किया है तो बिल इज नॉट गोइंग टू लैप्स नाउ एक हाउस ने पास किया दूसरा पास नहीं कर रहा है तो दिस विल एंड नाउ द बिल इज विद द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया है जॉइंट सिटिंग ठीक है तो भी बिल लैप्स नहीं होगा और अगर बिल ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में तब तो ऑब्वियसली बिल लैप्स नहीं होगा राज्यसभा एंड पेंडिंग विद राज्यसभा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है दीज आर द्री सिचुएशन देन वेन बिल इज नॉट गोइंग टू लैप्स ठीक है तो था 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 था? अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ एंड राज्यसभा में ही पेंडिंग है अभी तक लोकसभा तक गया भी नहीं है कुछ भी लेना देना नहीं है यहां पर ही पेंडिंग चल रहा है पेंडिंग है तो फिर लैप्स नहीं होगा ठीक <laughs> है जी अदर ऑल सिचुएशन में लैप्स होगा अब अदर सिचुएशन क्या हो सकता है तो यानी लैप्स का सिचुएशन क्या हो सकता है तो समझिये लोकसभा एंड राज्यसभा बिल ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में एंड पेंडिंग इन लोकसभा तो दिस इज वन सिचुएशन बिल लैप्स होगा हो ही होगा ठीक है ओरिजिनेट यहां हुआ पेंडिंग यहां पर है तो भी लैप्स होगा हो ही होगा ठीक है तीसरा ओरिजिनेट यहां हुआ पेंडिंग यहां पर है तो भी लैप्स होगा या चौथा ओरिजिनेट यहाँ हुआ यहाँ से पास हो गया लेकिन रिटर्न किया है इसने रिटर्न किया है रिटर्न टू लोकसभा तो भी बिल लैप्स होगा ठीक है या ओरिजिनेट यहाँ हुआ है और इसने रिटर्न किया है रिटर्न टू राज्यसभा तो भी लैप्स हो गई होगा राइट तो लैप्स थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज़िंग है कंपेरेटिवली कब लैप्स नहीं होगा वो ज्यादा इजी है समझना सो दिस इज हाउ द बिल इज गोइंग टू बी इंपैक्ट बाय द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा सिंपल सा चीज है एक लाइन में खत्म अच्छा एक क्वेश्चन है यही ये, ये आप ये फिगर को ही देख बताइए राइट रॉन्ग बताइएगा बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर राज्यसभा डू नॉट लैप्स आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा राइट या रॉन्ग बिल पास्ड बाय लोकसभा एक से ना हाँ, क्या हाँ बिल पास्ड बाय लोकसभा ये फिगर विगर कोई देख के बता दीजिए बि, बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर राज्यसभा मतलब पास वहां से हो चुका है इसका मतलब ओरिजिनेट वहां हुआ होगा तब वहां पास हो गया है और अब इसके पास आया है पेंडिंग राज्यसभा के पास डू नॉट लैप्स

वी से रिलेटेड होके वो बात करेंगे पहले ये लिखिए ये हो गया ये हो गया ना कंप्लीट ठीक है अब लिखिए ये सारा चीज़ हो गया अब लिखिए मोशंस हैडिंग दीजिए मोशंस नो लिखिए व्हाट इज मोशन मोशन क्या होता है मोशन इज द पार्लियामेंट्री डिवाइस मोशन एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है मोशन इज द पार्लियामेंट्री डिवाइस फुल स्टॉप पार्लियामेंट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस देखिए हमारी पार्लियामेंट सिर्फ तीन ही फंक्शन करती है राइट फॉलोइंग फंक्शन ए पहला लिखिए क्वेश्चनिंग क्वेश्चन पूछने का काम करती है क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का काम ये पार्लियामेंट का काम है ठीक है सेकेंड मोशंस या सेकेंड uh, ऐसा लिख लीजिए पैसेज ऑफ बिल्स बिल पास करना और कानून बनाना सेज ऑफ बिल ठीक है एंड थर्ड लिख लीजिए मोशंस 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 के आगे डैश मार के लिख लीजिए मोशंस आर 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 मोशंस आर प्राइमरली प्राइमरली मोशंस आर प्राइमरली फॉर डिस्कशन ये डिस्कशन के लिए मोशंस का इस्तेमाल किया जाता है ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या इंपॉर्टेंस ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो यानी देखिए पार्लियामेंट में हमेशा सिर्फ तीन काम होता है एक क्वेश्चन पूछना सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए पार्लियामेंट बना गया है दूसरा काम है पार्लियामेंट का बिल पास करना यानी कानून बनाना और तीसरा होता है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना और वो डिस्कशन करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे मोशन कहा जाता है ठीक है जी करेक्ट है गॉट इट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज मोशन बस सिंपल तरीके से समझते हैं राइट right? और साथ ही में आपको रेजोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि रेजोल्यूशन क्या होता है देखिए समझते हैं वॉट इज मोशन राइट मोशन क्या है दिस इज नथिंग बट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन फॉर डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एग्री इंपॉर्टेंस करेक्ट है ये मोशन अब मोशन इंट्रोड्यूस कैसे होता है देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ इमेजिन करें ये पार्लियामेंट का लोकसभा है लोकसभा में अगर मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में भाई बहुत वो धांधली हो रहा है करप्शन हो रहा है फलाना डिगराना तो अचानक मैंने ये टॉपिक एक रेस कर दिया तो मैं डिस्कशन के लिए पहले तो एक प्रोपोजल इंट्रोड्यूस करूंगा और वो प्रोपोजल जब एग्री कर लिया जाएगा सबके द्वारा तब ही उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा तो ये जो प्रोपोजल रख रहा हूँ वही एक तरीके का मोशन है मोशन फॉर एक्स वाई जेड डिस्कशन मोशन फॉर फलाना डिगराना जो भी चीज़ तो मोशन आप कभी भी इंट्रोड्यूस करेंगे ये प्रोपोजल इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा जब तक मॉनिटर अलाउ नहीं करेगा आप इस तरीके का डिसशन डिस्कशन का प्रस्ताव नहीं रख सकते ठीक है सो दिस इज ऑलवेज दिस इज ऑन द एडवाइज सॉरी एडवाइज में परमिशन This is on the permission, permission of presiding officer. Agree, ठीक है दूसरा हो सकता है कि कभी presiding officer आपको permission ना दे तो एक और डिवाइस होता है दैट इज लीव ऑफ द हाउस लीव ऑफ द हाउस मतलब अगर 10% परसेंट हाउस के मेंबर्स लोग बोल रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा ठीक है दैट इज दिस थिंग तो अगर मैं चाहता हूं कि इस हाउस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन किया जाए तो क्या तरीका है पहला मैं बोलूँगा मॉनिटर को कि तो भाई मॉनिटर परमिशन करो हम डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर मैं चाहता हूं तो अगर उसने अलाउ किया तो फिर उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा या दूसरा तरीका है कि अगर टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट मेम्बर्स लोग या फिफ्टी मेंबर्स लोग उतने लोग कलेक्टिवली बोलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा ठीक है उसको कहा जाता है लिव ऑफ द हाउस ऑन उाइल द लीव ऑफ द हाउस ठीक है ऑफ हाउस गोट इट डन नाउ मोशंस बेसिकली क्या है यह एक डिवाइस है जेनरली आप देखेंगे मोशन का इंट्रोडक्शन किया जाता है बाय द ऑपोजिशन जेनरली मोशन जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑपोजिशन ठीक है ऑपोजिशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है मोशन ठीक है अब यह तो कलेक्टिवली इसको मोशन कहा जाता है तो एक तो चीज आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज मोशन मोशन और कुछ नहीं एक प्रस्ताव है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आमतौर पर ऑपोजिशन पार्टी द्वारा इस तरीके का प्रस्ताव पेश किया जाता है लेकिन एक प्रस्ताव को काउंटर करते हुए जब दूसरा प्रस्ताव लाया जाएगा दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट मोशन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ने बोला कि भाई हमें डिस्कशन चाहिए किस बात पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर राइट तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन चाहिए तो ये रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि चलो भाई ठीक है विल हैव अ डिस्कशन लेकिन इसी बीच में गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक प्रपोजल लाया कि वो छोड़ो उसके बदले हम बात करेंगे एथिक्स इन एम अगर एथिक्स एम में होगा तो ऑटोमेटिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे ऐसा करके इमेजिन करिए तो उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा और अगर वो वाला काउंटर जो रेजोल्यूशन है काउंटर जो मोशन है उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये मोशन सब्सटीट्यूट हो जाता है ठीक है यानी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ करप्शन किया है और प्रधानमंत्री के करप्शन के ऊपर कुछ डिस्कशन होनी चाहिए मीटिंग बुलाओ ठीक है तो अगर ये मीटिंग का मैंने प्रपोजल दिया यही एक मोशन है मोशन एक्सेप्ट हो गया तो कहा जाएगा ये मोशन प्रधानमंत्री के करप्शन के ऊपर बुलाई गई है लेकिन इसी बीच में बीजेपी के एक एमपी ने दूसरा प्रस्ताव रखा वो बोला कि इसके ऊपर क्या बोलते हैं एथिक्स के ऊपर रखो करप्शन नहीं करप्शन उसी में ऑटोमेटिकली सब्सटीट्यूट हो जाएगा अगर एथिक्स है तो करप्शन ऑटोमेटिकली सब्सटीट्यूट हो जाता है कि ये ऐसा नहीं तो अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो प्रस्ताव था डिस्कशन का ये सब्सटीट्यूट हो जाता है ये अब नहीं होगा वो हो जाएगा मेजर एक बड़ा चीज आ गया जिसने आपके इस पॉइंट को भी कवर कर लिया है ठीक है तो मोशन के अगेंस्ट में जो मोशन लाया जाता है दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट मोशन सब्सटीट्यूट मोशन और सब्स्टिट्यूट मोशन इसको आमतौर पे बाय गवर्नमेंट होता है यानी रूलिंग साइड तो मोशन यानी पहला जो प्रस्ताव आमतौर पे कौन लाता है ऑपोजिशन दैट इज मोशन मोशन इज नथिंग बट या किसी डिस्कशन के लिए ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस लेकिन वो आमतौर पे गवर्नमेंट को टारगेट करता हुआ होता है तो उसको सबस्टिट्यूट करने के लिए वी हैव अनदर मोशन दैट इज सब्सटीट्यूट मोशन और सब्सिट्यूट मोशन आमतौर पर आपको गवर्नमेंट द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है जिस मोशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन बट इट तो यहीं पर नोट करके लिखते हैं कि अ मोशन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट मोशन मोशन टू वीच टू विच देर इज नो सब्स्टिट्यूट सब्सटी सबस्टिट्यूट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन गॉट इट रेजोल्यूशन नाउ मोशन के बारे में कहां पर लिखा हुआ है तो मोशन के बारे में रूल्स ऑफ द हाउस जो है रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो रूल बुक होता है लोकसभा का अपना रूल बुक है राज्यसभा का अपना रूल बुक है उसमें मैंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रेजोल्यूशन के बारे में कुछ भी है? इज नो no. मतलब मोशन के बारे में लिखा हुआ है नो तो इट इज नॉट इन एग्री ओके तो कहां पर मैंशन है मैंशन इन रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस ठीक है जी रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस मतलब हाउस का अपना रूल बुक जो है उसमें लिखा हुआ है ठीक है बट रेजोल्यूशन की जब बात करेंगे तो रेजोल्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो मोशन जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं और रेजोल्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है जैसे कि रेजोल्यूशन है राष्ट्रपति को निकालने का मैंने है ना फोर्टीन डेज नोटिस पे एक रेजोल्यूशन लाया कि भाई अब राष्ट्रपति को निकालने के ऊपर डिस्कशन करो अब ऐसे में यह नहीं हो सकता कि कोई दूसरा एमपी कुछ इसी को सब्सिट्यूट करके भाई कोई दूसरा ही अलता बलता टॉपिक लेके आ जाएगा नहीं अब एकदम सटीक तरीके से हम बात करेंगे उसको निकालने पर सिमिलरली रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनको निकालने वाला जब टॉपिक आएगा तो उसको घुमाने फिराने वाला कोई दूसरा सब्सटीट्यूट टॉपिक नहीं लाया जा सकता दैट इज़ वॉट यू हैव टू टॉक वेरी स्पेसिफिकली ठीक है तो उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन मोशन एंड रेजोल्यूशन सेम चीज़ होता है बट जो नॉर्मल मोशन होता है उसका एक सब्सटीट्यूट मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ठीक है बट रेजोल्यूशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता और रेजोल्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है एग्जाम्पल आपको पता चल गया रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यह सब चीज रेजोल्यूशन के थ्रू होता है या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स नए स्टेट अगर क्रिएट करना है तो भी रेजोल्यूशन होता है करेक्ट है ठीक है तो एक डिस्कशन उस डिस्कशन को छोड़ो भाई कुछ नया डिस्कशन अब जब ये डिस्कशन या फिर यह डिस्कशन कुछ भी हो रहा है उसी टाइम पर कुछ एडिशनल टॉपिक मोशन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इनके सपोर्ट में इन एडिशन टू दिस आइदर इन एडिशन टू मोशन और इन एडिशन टू सब्सटीट्यूट मोशन देर कैन बी अ सब्सिडियरी मोशन देर इज समथिंग कॉल्ड सब्सिडियरी मोशन डियरी मोशन सब्सिडियरी मोशन तीन तरीके का होता है एक होता है एंगजिलियरी एनसिलियरी uh, री मोशन एक होता है आपका सुपरसीडिंग मोशन सुपर सीडिंग मोशन और एक होता है आपका अमेंडमेंट अमेंडिंग मोशन अमेंडमेंट मोशन या अमेंडिंग मोशन बोलिए ये क्या होता है एनसिलरी मोशन एनसिलरी मोशन का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मोशन था Related to 2G जी घोटाला वी वॉन्ट अ डिस्कशन ऑन टू ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसका opposition 2G को हटा दिया या करप्शन इन गवर्नमेंट या हाउ there कैन बी अ responsible गवर्नमेंट तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो एक तरीके से करप्शन की कोई ही तो टारगेट किया जाएगा डिस्कशन हो गया तो सब्सटीट्यूट मोशन अगर आ गया ना तो थोड़ा मेजर होता है किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर नहीं होगा और फिर बात को घुमाया जा सकता है तो अक्सर मोशन को काउंटर करने के लिए सब्सटीट्यूट मोशन होता है इमेजिन करिए कोई सब्सटीट्यूट मोशन नहीं आया है तो दर इज मोशन और मोशन में जो टॉपिक था उसी के ऊपर डिस्कशन होगा अब ये जब हो ही रहा था इसी बीच में आइदर मोशन या सब्सटीट्यूट मोशन कुछ भी चल रहा है उसी टाइम पर सब्सिडियरी uh, मोशन लाया जाता है जिसमें वो एक है एनसीलियरी मोशन एनसीलियरी मोशन बोलता है कि इस टॉपिक को ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा जाए फॉर डिस्कशन जैसे कि मोशन था टू जी घोटाला तो गवर्नमेंट ने लाया टू जी घोटाला के बदले गवर्नमेंट ने काउंटर में एक सब्सटीट्यूट मोशन लाया दैट इज सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा टू जी घोटाला के बदले वी विल टॉक अबाउट करप्शन राइट करप्शन इन इंडिया ओके अब जैसे ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था इसी बीच में एक एमपी ने ला दिया एनसीलियरी मोशन एनसिलियरी मोशन का मतलब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक को पहले भेज दिया जाए किसी जॉइंट कमेटी के पास जॉइंट कमेटी सिलेक्ट कमेटी इस तरीके की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के पास भेजा जाए फॉर इन्वेस्टिगेशन वो इस डिस्कशन के ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन स्टडी अच्छे से करेगा रिपोर्ट देगा उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे राइट देन सुपरसीडिंग मोशन मतलब समझिए किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन बहुत हो रहा है देर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन एम लोगों को लग रहा है कि बहुत डिस्कशन हो गया अब ये बंद करो अब दूसरा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो वो एक प्रस्ताव रखेगा प्रस्ताव क्या है कि इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है भाई अब बंद करो अब दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच करते हैं तो ऐसे प्रस्ताव को कहा जाता है सुपरसीडिंग मोशन ठीक है और नेक्स्ट प्रस्ताव है अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट का प्रस्ताव है कि वो जो डिस्कशन चल रहा है उसी में कुछ चेंजेस करना जो पेपर में पॉइंट्स लिखे गए हैं या जो भी डिस्कशन का टॉपिक है उसमें कुछ चेंजेस करना सुपरसीड नहीं करना है उसको चेंज करके खत्म नहीं करना है या सब्सटीट्यूट नहीं करना है वो ही रहेगा बट द ओनली थिंग इज वी वांट सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस लाइक फॉर एग्जांपल टू जी घोटाला और डिस्कशन हो रहा था कि प्रधानमंत्री को भी इस डिस्कशन का पार्ट बनाया था कि प्रधानमंत्री के ऑफिस के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे तो अमेंडमेंट मोशन लाया तो हमने अमेंडमेंट मोशन में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को डिस्कशन में से हटा दिया कि टू जी घोटाला की बात करेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस इस डिस्कशन डिस्कशन में में मतलब वी बी टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो फिर अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया गया ठीक है तो यही तरीका है पार्लियामेंट में आप जब भी देखेंगे तो पार्लियामेंट का डिस्कशन इसी फॉर्मेट में होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा कि दिस इज हाउ द पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स

ठीक है चलिए तो फिर लिखिए फटाफट इसको लिख के क्या बोल रहे आ, इसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है ये कोई भी ला सकता है राइट अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी वाले कोई लग रहा है भाई बहुत डिस्कशन कर लिया अब खत्म कर ठीक है तो वो सुपर सेटिंग लेके आ जाएगा या वही अमेंडिंग भी लाएगा कुछ भी लाया जा सकता है ठीक है यहां पर एकदम फिक्स होता है कि मोशन जनरली ऑपोजिशन लाता है और सब्सटीट्यूट मोशन हमेशा रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट द्वारा लाई जाती है ठीक है जी लिखिए पहला तो लिख लीजिए रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन क्या होता है व्हाट इज रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन क्या है लिखिए रेजोल्यूशन इज आल्सो अ मोशन इज आल्सो अ मोशन रेजोल्यूशन is also a motion but it is a special motion resolution is also a motion but it is a special motion to which there is no to which there is no to which there is no substitute टू विच देर इज नो सब्स्टिट्यूट ठीक है और ऐसा मोशन जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है वैसे मोशन को रेजोल्यूशन बोलते हैं रेजोल्यूशन के लिए ही दूसरा आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह है सब्सटेंटिव मोशन मीन्स इट इज अब्सटेंटिव मोशन हाँ रेजोल्यूशन एक काम करिए ऑब्लिक करके बाजू में लिख दीजिए है ना सब्सटेंटिव मोशन ठीक है ऑब्लिक सब्सटेंटिव मोशन टिव सबस्टेंटिव, ठीक है सबस्टेंटिव मोशन ओके अब लिखिए मोशन में कुछ स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख रहे हेडिंग दीजिए मोशन और सामने लिखिए मोशंस आर इंट्रोड्यूस्ड विद द परमिशन ऑफ प्रसाइडिंग ऑफिसर मोशंस आर इंट्रोड्यूस्ड मोशंस आर इंट्रोड्यूस्ड विद द परमिशन ऑफ प्रोसाइडिंग ऑफिसर Right, huh. motions are introduced uh, with the permission of presiding officer, Take full stop again. Okay. In case of certain motion, in case of certain motion, in case of certain motion, motion like adjournment motion, in case of certain motion like adjournment motion. It can be done with the leave of the house. It can be done with the. example we have Like adjournment motion. It can be done by the leave of the house. By the leave of the house. Ha, leave of the house. It can be done by the leave of the house. Now, the point formula whenever a motion is presented. whenever a motion is presented. comma. member can bring a substitute motion. substitute motion. member can bring a substitute motion. Okay? Next point for the original motion, for the original motion, comma, if substitute motion cannot be presented, if substitute motion cannot be presented, comma, that original motion that original motion is called is called substantive motion or resolution substantive motion or resolution taken now next point resolutions are mentioned in the constitution resolutions are mentioned in the constitution resolutions are mentioned in the constitution whereas motions motions are mentioned in the rules and the proceedings of the house are mentioned in the rules and the proceedings of the house शन इन द रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द हाउस ठीक है ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट वेन अब्स्टिट्यूट मोशन इज एक्सेप्टेड सब्सिट्यूट मोशन को जब एक्सेप्ट किया जाता है वेन अब्स्टिट्यूट मोशन इज एक्सेप्टेड When a substitute motion is accepted, discussion will take place. discussion will take place only on substitute motion, only on substitute motion. Take? A full stop, full stop original motion is superseded original motion is superseded superseded original motion is superseded by substitute motion original motion is superseded by substitute motion ठीक है नाउ टू एवरी मोशन टू एवरी मोशन और सब्स्टिट्यूट मोशन सब्स्टिट्यूट मोशन कॉमा है देर इज सब्सिडियरी मोशन मतलब सब्सिडियरी मोशन इनके एडिशन में आता है इसके एडिशन में या इसके एडिशन में ठीक है ना टू देर इज अ सब्सिडियरी मोशन ठीक है देन नेक्स्ट पॉइंट नाइदर सब्सटीट्यूट मोशन नाइदर सब्सटीट्यूट मोशन नॉर सब्सिडियरी मोशन सब्सिडियरी मोशन नाइदर सब्सटीट्यूट मोशन नॉर सब्सिडियरी मोशन आर Autonomous in nature are autonomous in nature matlab मतलब ये बताइए kariye करिए is no motion to तो बिना ke के motion aa आ सकता है नहीं आ सकता वो उसके substitute करने के लिए होता है जब अगर motion ही नहीं है तो substitute कैसे Right? और अगर इमेजिन करिए मोशन नहीं है या सब्सटीट्यूट मोशन नहीं है तो क्या सब्सिडियरी मोशन आएगा नहीं ठीक है ना ये तो हमेशा इन लोगों के क्लब में ही आता है फिर अब सब्सिडियरी मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स सब्सिडियरी मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स सब्सिडियरी मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स ये तीन तरीके के होते हैं सब्सिडियरी मोशन पहला पहला एनसिलियरी मोशन ए एन सी आई एल एल आई ए आर वाई एनसिलियरी मोशन एनसिल मोशन एल एल ए आर वाई एनसिल मोशन अब एनसिलरी मोशन क्या होता है अटैच मोशन राइट मोशन राइट यहां पर आगे डैश करके लिख लीजिए मोशन टू रेफर अ मोशन टू रेफर रेफर मैटर टू कमिटी टू कमिटी ठीक है जी ये कमेटी कोई भी हो सकती है ज्वाइंट पार्लिमेंट्री कमेटी सिलेक्ट कमेटी फलाना डिगराना कोई भी कमेटी ठीक है देन सेकेंड इज सुपर सीडिंग कमीशन मोशन सुपर सीडिंग मोशन S U P E R C E D I N G superseding when when discussion on new motion when discussion on new motion has to be started started मतलब बहुत डिस्कशन हो गया पुराने टॉपिक के ऊपर बंद करो अब नए टॉपिक पे बढ़ते हैं ठीक है जी yeah. और थर्ड है अमेंडिंग मोशन अमेंडिंग मोशन अमेंडिंग मोशन सजेस्टिंग इसमें डैश करके क्लिक कीजिए सजेस्टिंग चेंज इन द मोशन मोशन में कुछ चेंजेस जहां सजेस्ट किया जाता है सजेस्टिंग चेंज इन द मोशन ठीक है नॉट सब्सिट्यूटिंग इट सब्सिट्यूट नहीं कर रहा है मोशन में बस सिर्फ चेंज का डिमांड कर रहा है नॉट हाँ, इट अब हम देखते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मोशंस अब ये तो मोशंस का आपने टाइप समझ लिया बेसिक अब इंपॉर्टेंट मोशन में एक आता है जैसे मोशन ऑफ थैंक्स कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन एडजर्नमेंट मोशन सेंसर मोशन हाफ एन आवर मोशन ठीक है कॉल अटेंशन मोशन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पहले लिखिए मोशन ऑफ थैंक्स हेडिंग दीजिए मोशन ऑफ थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स टी एच ए एन टी एच ए एन के एस थैंक्स ठीक है जी मोशन ऑफ थैंक्स अब ये होता क्या है सुनिए हमारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट है ठीक है प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 86 एंड आर्टिकल नंबर 87 ये दोनों ही के थ्रू हाउस को एड्रेस करते हैं ठीक है यहां पर प्रेसिडेंट एड्रेस the house jointly or separately Correct है ना hai na separately now article 86 article 86 के थ्रू आज तक कभी हुआ नहीं Never held. ye आज तक कभी हुआ ही नहीं तो इसको तो छोड़ ही दीजिए ठीक है आर्टिकल 87 सेवन बात करता है स्पेशल एड्रेस की स्पेशल एड्रेस की एग्री स्पेशल एड्रेस कब होता है तो आमतौर पे स्पेशल एड्रेस दो टाइम पे होता है पहला आप बता सकते हैं कब होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हाँ जब नए लोकसभा का फर्स्ट सेशन होता है ठीक है फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन जनरल इलेक्शन जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा का इलेक्शन करेक्ट है लोकसभा का चुनाव हुआ मतलब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में आफ्टर दैट इलेक्शन जब लोकसभा बनेगी और उसका जब पहला सेशन होगा आप हमेशा देखिएगा उस समय राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जाकर स्पीच तो स्पीच दे रहे हैं ठीक है देन सेकेंड फर्स्ट सेशन फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर ना ऑफ ईच ईयर या कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जब भी ये स्टार्ट हो रहा है उस समय ये दो टाइम पर प्रेसिडेंट जाते हैं और भाषण देते हैं ठीक है थेके? अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये भाषण देना जरूरी है राष्ट्रपति का मन ना कर रहा है तो छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है क्या ये मैंडेट्री है ये सो so, सबसे पहला बताइए क्या ये मैंडेट्री है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मतलब मैंडेटरी है भाई घर पर थोड़ी बैठ सकता ठीक ठीक है. है 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 जी मतलब जाके बोलना तो पड़ेगा है। अब बात आता है कि क्या बोलता क्या है तो यहाँ पर जनरली प्रेसिडेंट अपनी गवर्नमेंट के कमिंग वन ईयर का प्लान प्रेजेंट करते हैं आप कभी भी प्रेसिडेंट का भाषण देखिएगा वो अपने घर परिवार के बारे में नहीं बताता वो उधर आकर बताता है कि हमारे सरकार आने वाले साल में क्या करने वाली है तो हमेशा वो बोलेंगे मेरी सरकार ये काम करने वाली है मेरी सरकार ने रोड बना दिया है और भी रोड बनाने वाले हैं हमने ये किया है वो किया है फलाना ठिकराना ठीक है तो यहां पर वो क्या प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट्स द रोड मैप रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट फॉर कमिंग ईयर समझ गए कमिंग ईयर एग्री है ना ठीक है तो एक तो पहली बात भाई को ये मैस बोलना जरूरी है घर पे नहीं बैठ सकते एंड सेकंड चीज़ है क्या बोलते हैं वो ये है अब नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पार्लियामेंट का कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता बिल तो छोड़िए कोई भी काम नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट का एड्रेस नहीं होगा हर साल प्रेसिडेंट पहले आकर एक भाषण देंगे उसी के बाद में काम की शुरुआत होगी प्रेसिडेंट जब भाषण देंगे उसी के बाद नए लोकसभा की काम शुरुआत होगी बिना प्रेसिडेंट के भाषण के ये सब काम नहीं होने वाला है ठीक है सो so, अगर प्रेसिडेंट के एड्रेस से पहले है ना वर्क बिफोर दिस वर्क बिफोर एड्रेस बिफोर एड्रेस प्रेसिडेंट के एड्रेस वो सारे वर्क को क्या किया जाता है वॉइड मान लिया जाता है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा मतलब वर्क मतलब कोई अगर वर्क फाइनल हो चुका है कोई डिसीजन ले लिया गया है तो हर वो डिसीजन को इनवैलिड माना जाएगा अगर प्रेसिडेंट का स्पीच अभी नहीं हुआ है तो ये मैंडेटरी कंडीशन है प्रेसिडेंट को स्पीच देना ही होता है ठीक है जी नाउ अच्छा क्या हम प्रेसिडेंट का स्पीच से पहले कोई नॉर्मल मोशन इंट्रोड्यूस करके डिस्कशन कर सकते हैं तो हाँ जी कर सकते हैं आपने फाइनल डिसीजन नहीं लिया ना कोई भी फाइनल डिसीजन आप किसी भी मैटर के ऊपर किसी मोशन के ऊपर किसी बिल के ऊपर कुछ भी नहीं ले सकते बिफोर द स्पीच बाई द प्रेसिडेंट ठीक है सो so, उससे पहले अगर कुछ भी होगा तो वॉइड मान लिया जाएगा करेक्ट है नाउ no. प्रेसिडेंट जब ये इतना भाषण वाषण देकर चले गए देश का महामहिम राष्ट्रपति इतना बड़ा भाषण वाषण सब चीज दे चल गया उसके बाद थैंक्स बोलना बनता है कि नहीं बनता है बनता है ठीक है तो प्रेसिडेंट ने जो भी भाषण दिया उस भाषण को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाता है ठीक है वैसे तो पहले ही लिख दिया जाता है लेकिन उनके स्पीच के बाद में ये पीस ऑफ पेपर को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में इन द फॉर्म ऑफ थैंक्स कि अब ये हम हाउस में लाते हैं सब लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट के भाषण के टाइम पे सब लोग शांति से सुनते रहते हैं जैसे वो भाषण देकर चले गए भाषण में वो सरकार के कमिंग वन ईयर का प्लान बताकर जाते हैं जैसे वो चले गए उसके बाद में ये पॉइंट को हाउस में रखा जाता है फॉर डिस्कशन और डिस्कशन के बाद इसके ऊपर वोटिंग होती है ठीक है जी तो वंस वो बोलकर चले गए उसके बाद में इसको हाउस में प्रेजेंट किया जाता है फॉर डिस्कशन इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है डिस्कशन के बाद इस पर वोटिंग होगी ठीक है वोटिंग वोटिंग कहाँ पर लोकसभा में लोकसभा इवन राज्यसभा में दोनों ही जगह पे ठीक no. है नौ अगर इमेजिन करिए प्रेसिडेंट ने इस भाषण में क्या बोला गवर्नमेंट के कमिंग वन ईयर का पॉलिसीज डिक्लेयर किया था बताया था अब लोकसभा में जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में अच्छा लोकसभा में मेजोरिटी किसका है मोदी जी का प्रेसिडेंट भी आदमी मोदी जी का लोकसभा में आकर उसने पूरा स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ने दिया वो मोदी जी के सरकार की गवर्नमेंट से रिलेटेड ही बात बोला अब वो बोलकर चले गए और उसी पॉइंट के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा है तो लोकसभा के मेंबर्स लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए या अपोज करने चाहिए सपोर्ट करने चाहिए आमतौर पर यही माना जाता है क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तो द पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट लेकिन इमेजिन करिए कि यहाँ पर ये वोटिंग पे गया और फेल हो गया 99% पास होता ही होता है लेकिन अगर फेल हो गया तो मान लिया जाएगा कि मोदी जी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अगर करते होते तो मोदी जी का ही तो बात है है ना क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्या आकर स्पीच दिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बोला और गवर्नमेंट किसकी है मोदी जी की अगर लोकसभा में लोग मोदी जी को सपोर्ट करते इसका मतलब ये पास हो जाता लेकिन अगर फेल हुआ इसका मतलब मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो दिस विल अमाउंट इन टू नो कॉन्फिडेंस और सरकार गिर जाएगी ठीक है तो अगर ये पास हो जाएगा लोकसभा में मैंने ये सिर्फ लोकसभा इसलिए किया है लोकसभा में अगर ये पास होता है तब तो ठीक है कोई इश्यू नहीं लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो जाता है लोकसभा में मतलब फेल हो गया तो फिर दिस विल अमाउंट इन टू जी, अमाउंट इनटू नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस ठीक है और इसका रिजल्ट क्या होगा आउटकम क्या होगा गवर्नमेंट रिजाइन कर देगी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा <coughs> ठीक है जी इट तो मोशन होता है अच्छा वॉट अबाउट राज्यसभा अगर राज्यसभा ने पास किया ना तो बढ़िया अगर फेल भी कर दिया ना तो ये कुछ होने वाला है नहीं ठीक है क्योंकि <laughs> राज्यसभा में उन लोग अकाउंटेबल होते नहीं है ये बेसिकली लोकसभा की कहानी है ठीक है सो दिस इज वॉट इज दिस स्टोरी वॉट इज मोशन ऑफ थैंक्स आई होप इट इज क्लियर ठीक है तो लिखिए मोशन ऑफ थैंक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोशन में से है लिखिए once the president once the president has given his address once the president has given his address address comma address is introduced address is introduced by the member of ruling party ऑब्वियसली ये रूलिंग पार्टी वाले लोग तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी इन ईच हाउस इन लोकसभा एज एज वेल इन राज्यसभा इन बुद्ध द हाउस इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईच हाउस एज अ मोशन ऑफ थैंक्स एज अ मोशन ऑफ थैंक्स अच्छा क्या ये वाले मोशन ऑफ थैंक्स को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है नहीं आपको स्पेसिफिकली इसी के ऊपर डिस्कशन करना है इसीलिए ये मोशन ऑफ थैंक्स और कुछ नहीं रेजोल्यूशन है दिस इज वन टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ठीक है तो वहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन मोशन ऑफ थैंक्स इज अ रेजोल्यूशन ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए ओनली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन ओनली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन मोशन comma house can start business business start over house may house can start business? Got it? Done okay. next point house can conduct its work work conduct its work during. डूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड मतलब जब मोशन चल रहा था उसी टाइम पर कोई दूसरा वर्क भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड आई एन टी आर वी ई एन आई एन जी ठीक है इंटरवेनिंग पीरियड नेक्स्ट वंस द डिबेट ऑन द मोशन वंस द डिबेट ऑन द मोशन वंस द डिबेट ऑन द मोशन टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस कॉमली प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द हाउस क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना से रिलेटेड है तो फिर जनरली प्राइम मिनिस्टर वैसे गवर्नमेंट का दूसरे लोग भी बट जनरली इट इस प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली पीएम रिप्लाइज टू द हाउस ओके नेक्स्ट पॉइंट मोशन विल

एक काम करिए पास्ट को छोड़िए इफ मोशन इज नॉट पास्ट नॉट डाल दीजा इफ मोशन इज नॉट पास्ट कॉमा इट इज ट्रीटेड एज नो कॉन्फिडेंस इफ मोशन इज नॉट पास्ट इट इज ट्रीटेड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉमा मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए रोल ऑफ राज्यसभा रोल ऑफ राज्यसभा डैश करके आगे लिख लीजिए इट इज जस्ट नोशनल सिर्फ ऐसे ही है इट इज जस्ट नोशनल ठीक है इट इज जस्ट नोशनल ठीक है नोशनल है मतलब बस सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए और कुछ इसका इंपैक्ट नहीं होने वाला है वो पास करे फेल करे कुछ भी करे कुछ पड़, होने वाला है नहीं ठीक है जी मेन इंपैक्ट आता है लोकसभा ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो नो no कॉन्फिडेंस में अमाउंट हो जाएगा ठीक है ये हो गया बेसिक चीज अब ये लिख ड्यूरिंग मोशन ऑफ थैंक्स

different types of motion complete करना है like for example adjournment motion, confidence motion, no confidence motion, short notice motion फलाना digrana जितना भी motion वो सब खत्म करना है उसके बाद में हम आर्ज भी देख लेंगे question आर्ज ये सब क्या होता है है ना different type of आर्ज क्या है then उसके बाद में zero hour question hour वो सब क्या होता है उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे बिल्स डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स कौन से हैं हाउस के बिल्स विल्स जैसे ऑर्डिनरी बिल मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसके पास होने का प्रोसीजर क्या है सो वंस वी आर डन विद दस मच तो हमने लोकसभा पूरा कंप्लीट कर लिया मेजरली सारा खत्म ठीक है फिर उसके बाद होगा तो विल स्टार्ट विथ इमरजेंसी इधर विल स्टार्ट विथ इमरजेंसी या फिर जुडिशरी ठीक है जी ये बताइए क्या हाँ सिंपल मेजोरिटी से इलेक्शन सिंपल मेजोरिटी और रिमूवल होता है इफेक्टिव मेजोरिटी ठीक है, हाँ, है ना ये देखिए एक क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन है अब बिल ये तो हो गया शायद हमने देख लिया ना बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लेट्स फॉर द रीजन हाँ आप सिर्फ यह बताइए कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है आपको बस सिर्फ इतना बताना है ठीक है पहला स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है राइट है या रॉन्ग है बस सिर्फ यह बताइए पहला स्टेटमेंट बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बिन पास्ड बाय लोकसभा लोकसभा से अभी तक पास नहीं हुआ अभी पेंडिंग वो राज्यसभा में ही है शैल लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये राइट है या रॉन्ग है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट शैल लैप्स आप इसको देखिए तभी सही समझ में आएगा नहीं तो भूल जाएंगे ये देखिए मैंने कहा द बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास्ड बाय लोकसभा तो यहाँ तक पास ही नहीं हुआ है तो मतलब इसका मतलब अगर यहां पेंडिंग है इसका मतलब ओरिजिनेट भी यही हुआ होगा यही ऑरिजिनेट हुआ यही पेंडिंग है अभी तक वहां से कुछ हुआ नहीं है ठीक है सो बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा रॉन्ग है करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शाल रीजन ऑफ ऑफ हाउस हाउस को प्रोरोट किया गया है तो मैंने डिसॉल्व नहीं बोला प्रोरोटा प्रोरोेट किया गया तो फिर बिल लैप्स हो जाता है प्रोरोगेट का मतलब क्या होता है एंड क्या एंड एंड ऑफ सेशन 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 खत्म होना तो सेशन खत्म होने के साथ में बिल लैप्स होता है क्या नहीं है. होता तो हम पढ़ते ना ठीक है सेशन के खत्म होने से बिल कभी भी लैप्स नहीं होता है लोकसभा के डिसॉल्व होने से बिल लैप्स होने का इंपैक्ट आता है तो यह वाला स्टेटमेंट बताइए राइट होगा या रॉन्ग होगा बिल पेंडिंग इन द पार्लियमेंट शाल द रीजन ऑफ एब्सोल्युटली दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है फिर ये एक बताइए द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट स्पीकर ऑफ लोकसभा और पर्सन एक्टिंग एज सच मतलब कोई भी लो चेयरमैन या स्पीकर कैसा भी वो एक्टिंग कर रहा होगा शैल नॉट वोट एट एनी सिटिंग ऑफ द आईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस इन द फर्स्ट इंस्टेंस But shall have the exercise of cast vote, casting vote in the case of equality of votes. Yeah. Right or yeah, wrong? Yeah. Yeah, true, yeah, absolutely. Dusra statement The person is qualified to fill a seat in the council of a state. Council of state, Sabha. A person is qualified to fill a seat in the council of a state. और हाउस ऑफ पीपल इफ ही इज नॉट लेस देन 25 फाइव इर्स ऑफ एज क्यू रॉन्गे अच्छा राज्यसभा के लिए कितना एज है 35, 35 नहीं कितना 30. 30. 30. 30, 30. और लोकसभा के लिए कितना है 35. 25. लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए थर्टी ठीक है तो स्टेटमेंट सुनिए अ पर्सन इज क्वालिफाइड स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है ये बताना है अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही नाम लिखा है इफ ही इज नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव इज ऑफ एज रॉन्ग है ना लोकसभा अगर राज्यसभा नहीं लिखा होता तो राइट right होता राज्यसभा लिखा इसके लिए ये रॉन्ग है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है ना आगे का अगली बार फिर क्वेश्चन देखेंगे कल की क्लास में एक डेडलॉक से रिलेटेड है पूछ पुछ पूछ लो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के कंप्लीट करते हैं ये डेडलॉक ज्वाइंट सेटिंग से रिलेटेड आपको सिर्फ सिचुएशन बताना है कब ज्वाइंट सेटिंग होगा या नहीं होगा वो सब होगा एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रिमूविंग डेडलॉक द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट डॉट डेटलॉक को रिमूव करने का सिचुएशन क्या हो सकता है पहला पहला नहीं स्टेटमेंट आगे भी लिखा हुआ है आफ्टर अ बिल हैज बिन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस द प्रेसिडेंट मे नोटिफाई टू द हाउस हिज इंटेंशन टू समन देम फॉर द ज्वाइंट सिटिंग इफ इफ अब न टू थ्री तीन है आपको राइट right कौन सा है वो बताना है ठीक है पहला बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस अदर मतलब सेकेंड हाउस ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं द बिल द बिल हैज बिन पास बाय फर्स्ट हाउस रिजेक्टेड बाय द सेकेंड हाउस ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जा सकता है फर्स्ट <laughs> <laughs> पहला ही कंडीशन वही है ना रिजेक्टेड ठीक है

मतलब यहां से बिल पास हुआ इसके पास आया और यहाँ तीन महीना बीत चुका है तो क्या अब बुलाया जा सकता है यहाँ छः महीना लिखा है भाई <laughs> छः महीना बीतेगा उसके बाद बुलाया जा सकता है अभी तो सिर्फ तीन ही महीना हुआ है तो अभी बुला सकते हैं नहीं बुला सकते हैं ठीक है जी अच्छा और ये जॉइंट सेटिंग बुलाना क्या है इंटेंशन याद रखिएगा ठीक है इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है चलिए आज की क्लास को इतने पे स्टॉप करते हैं मिलेंगे कल की क्लास में टाइम गुड बाय थैंक यू